की राष्ट्रभाषा है। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है। मानव सेवा माधव सेवा। मानव सेवा माधव सेवा। मानव सेवा माधव सेवा। क्या हुआ? अगर मेरे सामने आया तो जान से मार दूंगा। उठ। अगर अगली बार किया तो चल। अपने भाई से तो पूछते कि मैंने उसे क्यों मारा। अगर उसने कुछ गलत किया था तो मुझसे कहते, तुमने मारा मैंने मारा, हिसाब बराबर। भैया। उसने तुझे क्यों मारा था? मैंने ना उसकी शर्ट पे इंक डाली थी। मैंने उसे मारा क्योंकि उसने तुम्हें मारा, और तुम्हें मारा क्योंकि तुमने उसकी शर्ट पर इंक डाली थी। क्या बच्चों ने खाना खा लिया? हाँ, बड़े बेटे को छोड़कर सबने। क्यों, काफी देर हो गई, उसे कहो खा ले। बड़े बेटे खाना खा के सो जाओ बेटा। खा लूंगा माँ, भाई बिना होमवर्क किए जो सो गए हैं, नहीं तो कल टीचर उन्हें डांटेगी। टीचर डांटती है तो डांटने दो, तुम इनको होमवर्क क्यों कर रहे हो? चॉकलेट 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 तुम्हारे लिए दो, तुम्हारे लिए दो, दो तुम्हारे लिए, एक तेरे लिए। दीदी को दो, मुझे एक नहीं। दीदी बड़ी जो है इसलिए दो चॉकलेट, तुम छोटी हो इसलिए एक चॉकलेट, ठीक है ना? ये तो देखिए, किसी भी कंपनी ने आज तक ऐसा मॉडल नहीं बनाया। अगर हम इस आइटम को इंडिया में लॉन्च करते हैं तो एक बड़ा ही अच्छा आइडिया होगा। ठीक है, मैं इसकी स्टडी करता हूँ, तुम जाकर पढ़ो। ओके पापा। मेरा बड़ा बेटा अब जिम्मेदार हो गया है, यानी मेरी सारी चिंताएं दूर। हाँ? भाई जी, क्या पटाखा है, बुलाऊं क्या? ए, तेरा नाम क्या रे? संध्या। ए, इसका मतलब क्या हुआ रे? सनसेट है भाई जी। तेरा क्या नाम है रे? आदित्य। मतलब सनराइज हूँ ना। सनराइज और सनसेट मिले तो क्या होगा रे? आइडिया बढ़िया है, सामने वाली भी तो माने। मानेगी रे। किस लिप टू लिप हो जाए। मैं यहाँ पढ़ने के लिए आई हूँ, प्लीज जाने दो। हम भी तो यहाँ पढ़ने ही आए हैं। आज इसे किस कर लो और बाकी दिन आजादी से पढ़ाई करती रहना, वरना पढ़ाई तो करती रहोगी लेकिन एग्जाम नहीं दे पाओगी। क्या रे, कैसा लगा? लिपस्टिक वनीला फ्लेवर जैसी थी, आइसक्रीम का मजा आया। भाई जी। पहनावा तो बिल्कुल पारंपरिक और स्ट्रक्चर अल्ट्रा मॉडर्न। क्या नाम है री? चंदा। मून भाई जी। ओह चंदा मामा, बचपन में चंदा मामा को बुलाया तो कभी नहीं आया, आज धरती पे उतर आया तो मैं किस कर लूं क्या? क्या कहा? रैगिंग। रैगिंग को बैन हुए 3 साल हो चुके हैं, ज्यादा नाटक किया ना, प्रिंसिपल से कह दूंगी। अच्छा, यहाँ तो मिडी और मैक्सी वाली भी चुपचाप चली जाती हैं, और तुम चोटी घाघरे वाली जाके कंप्लेंट करोगी? जा जा जाके कंप्लेंट कर। मत करो, उनसे दुश्मनी मत करो। एक बार मैंने एक लड़की की शिकायत पर उसे कॉलेज से सस्पेंड किया, और फिर उसका भाई आ गया। जयप्रदा, फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करती, हीरोइन बन जाएगी। क्यों रे, मेरा भाई किसी का पल्लू खींचे तो बुरा लगता है। चल अब मैं तेरा पल्लू खींचता हूँ। क्या मुझे सस्पेंड करेगी? सस्पेंड करेगी? तू तेरे घर में खुश रह, अगर तू इस कॉलेज में रहना चाहती है तो मेरे भाई का यहाँ रहना जरूरी है, समझी क्या? समझी क्या? भाई जी बड़ी देर लगा दी, कंप्लेंट प्रिंसिपल को दी या किसी और को? क्या हुआ? कॉम्प्रोमाइज और कमिटमेंट करने को कहा था ना। देख रे, मैं तुझे आधे घंटे का वक्त देता हूँ जिसमें तू अपने आप आकर सबके सामने मुझे किस करेगी, नहीं तो इसी प्रिंसिपल के कमरे में रैगिंग की बजाय रेप करूंगा। क्या रे,
रूम में एसी है ना? है ना, सेंट्रल एसी मस्त कूल होता है। आधा घंटा ही है। मैं तुझे 15 मिनट का टाइम देती हूँ, अगर पढ़ाई पूरी ही करनी है तो कॉलेज छोड़ दे, और जिंदा रहना है तो शहर छोड़ दे, नहीं तो तू मारा जाएगा। ए, मुझे धमकाती है, जानती है मैं कौन हूँ? मैं हूँ भाई जी, पता मेरा भाई कौन है? मालवानी बाबा जी, टर्रा किंग। मेरा भाई पूरे शहर को ठंडा कर सकता है। ए, तू सिर्फ अपने भाई के बारे में जानता है, मेरे भाई के बारे में नहीं। अगर मेरा भाई चाहे तो पूरे सिटी को शोला बना दे। तेरा भाई शक्तिमान है क्या? तू समझ जाएगा, शेर की ताकत उसके पंजों में है, बबर का स्वरूप उसकी आंखों में है, मेरे भाई के सीने में आग है। नरसिम्हा का जिंदा रूप लेकर आया है वो। उसकी इतनी तारीफ सुनकर उससे मिलने को दिल चाहता है, बुलाना। 10 मिनट वेट करके तो देख, आते ही होगा काम पूरा करके। ले, उसका काम शुरू होगा। बाप जी जो कहे उसे मान ले, नहीं तो कलेजा निकाल कर दारू में मिला के पी जाऊंगा। बाप जी सुनो बाप जी। अरे भागा भागा क्यों आ रहा है? नहीं यूं ही भागा, उसको देख के भागा। क्या बोला? हाँ बाप जी, वो सबकी धुलाई कर रहा है। कौन से एरिया का है? पता नहीं बाप जी, लगता है सबको मारने के लिए पैदा हुआ है। मेरे ठेके पर तो? लक्ष्मी, लक्ष्मी नरसिम्हा। ए, इतनी हिम्मत तू मेरे आदमियों को मारे? तेरे आदमी ही नहीं, तुझे भी मारूंगा। ए, मेरा स्टेटस जाने बिना तू मुझे मारे? मारने के लिए स्टेटस नहीं चाहिए है, स्टैमिना। हेलो बाप जी, कैसे हैं? अभी तक तो जिंदा है पर आगे का नहीं कह सकता, फोन कट कर। हाँ
कहाँ छुप गया? बाप रे, ये क्या हुआ भैया? क्या बोला? आगे से किसी लड़की को छेड़ने से पहले ये पता लगा ना कि उसका बड़ा भाई है या कोई जीजा है, उसका करेक्टर क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके बाद लड़की को छेड़ना। पहले जाके सॉरी बोल और मुझे अस्पताल लेके चल। मैं क्यों सॉरी बोलूं उसे? अरे वो इधर आ गया, जल्दी से जाके सॉरी बोल, नहीं तो वो तोड़फोड़ शुरू कर देगा। जा जा, मुझे टेंशन हो रही है, जल्दी जाना। सॉरी। देखो, स्टूडेंट्स को किताबों के सामने सर झुकाना चाहिए, दूसरे स्टूडेंट्स के सामने नहीं। तुम जो ऐसे बने हो उसका कारण तुम्हारा भाई है, इसीलिए मैंने उसे मारा। अगर फिर ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हें मारूंगा। तुम अभी बच्चे हो, सह नहीं पाओगे। बाय डियर, सी यू भैया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हें छूकर महसूस होता है कि जावेद अख्तर की आशिकाना नज़्म में पढ़ रहा हूँ। ठंडी नरम हवाएं मुझे सहला रही हैं। फ्रिज में रख दो, ठंडा हो जाएगा। हटो। उस तलवार जैसे एमडी के सामने हम क्या हैं? गुड मॉर्निंग सर। टाइम क्या हो रहा है? वॉच तो घर पे रह गई सर। मैंने घड़ी को नहीं टाइम पूछा है। मुझे देखने लड़के वाले आए थे सर। जब कल रात देखने आया तो आज क्यों लेट हुई? लड़के के घर वालों को आने में देर हो गई, वो आज सुबह ही घर पहुँचे। सुबह सुबह तैयार होके मैंने उन लोगों के लिए नाश्ता और कॉफी बनाई। हम पारंपरिक परिवार के हैं ना, सब कुछ मैंने बनाया। और उन्होंने मेरी माँ से कहा कि मैं उन्हें पसंद नहीं, और वो यूं ही चलते बने, और इसी दुख के कारण मुझे देर हो गई। सॉरी सर। ओके ठीक है, तुम खूबसूरत हो, तुम्हें कोई कमी नजर नहीं आती। थैंक यू सर। वो क्यों? मेरी खूबसूरती की तारीफ करने के लिए। यशोदा हॉस्पिटल की डीडी बनवानी थी, बनवा दी। मेरी जाते जाते बैंक बंद हो गया था सर। मुझे आलस और झूठ से सख्त नफरत है, समझ गए? आज ही डीडी भेजो। ओके सर। हाय भैया, आओ। हाय। नमस्ते सर। भैया ये अपॉइंटमेंट लिया था क्या? भाई से मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट जरूरी है क्या? ये घर नहीं फैक्ट्री है, जहाँ के रीत वहाँ। फिर कभी अपॉइंटमेंट के बिना यहाँ मत आना। बोलो क्या चाहिए? ये बंशी है मेरा फ्रेंड, ये अनाथ है। अगर अपने ऑफिस में कोई मैनेजर की पोस्ट, हम कहीं जाए तो पोस्ट ना मांगे, नौकरी मांगे। हमारी कंपनी में कोई काम नहीं है। भैया प्लीज, अब तुम जा सकते हो। चेन्नई का स्टॉक भेजा? अभी अभी भेजा है सर। एलएनटी से डीडी आ गए? कल शाम को ही आ गए थे सर। शिवराम जी सर, ये मशीन ठीक तो चल रही है ना? हाँ सर ठीक चल रही है, कल ही इसकी सर्विसिंग करवाई थी। नहीं नहीं, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। शिवराम जरा पाना देना। ये लीजिए सर। मैं आवाज से मशीन को और आंखों से आदमी को भांप लेता हूँ। तुम इतने सुस्त क्यों? नहीं सर मैं ठीक हूँ सर। नहीं नहीं, जरूर कोई प्रॉब्लम है। सर इनके बेटे को मेडिकल सीट मिली है, लेकिन डोनेशन देने को पैसा नहीं है और आपसे मांगने की हिम्मत नहीं है सर। ये क्या, तुम पर पहले से कर्ज है? हाँ सर, इसीलिए मैं आपसे कुछ कह नहीं पाया। तुम्हारा मांगना गलत है और मेरा देना भी। वैसे भी तुम्हारी तनख्वाह काफी कटती है, अगर तुमने और कर्ज लिया तो तुम्हारा घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। रामू जी, सारे वर्कर्स को यहाँ पर बुलाओ। सुनो, हमारे शिवराम के बेटे को एमबीबीएस में सीट मिली है, लेकिन हम उसकी माली हालत को जानते हैं। अगर हमने मिलकर उसकी मदद की तो उसके बेटे की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। मैं अपने महीने भर की तनख्वाह इसे दे रहा हूँ, जो जितना चाहे उसे दे। बिल्कुल सही सर। ए, जितना भी जिसकी जमा है वो निकालो, चलो। अगर ये काफी नहीं हुआ तो हम सबकी तनख्वाह में से काट कर उसे दे दीजिए सर। थैंक्स।
जो आपने मेरी बात का मान रखा और शिवराम की मदद की उसके लिए थैंक्स। जब एक आदमी का बोझ 10 मिलकर उठाते हैं तो वो बोझ बोझ नहीं रहता। शिवराम, वक्त आने पर तुम भी किसी की मदद जरूर करना। बहुत मेहरबानी सर। एमडी सभी के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सिवाय इस बेचारी लड़की के। अरे सबसे पहले एमडी को बता तो चले कि शैलू का प्रॉब्लम क्या है। अरे शैलू, तेरे घर वाले तेरे लिए कितने रिश्ते लाए और तूने वो सब ठुकरा दिए। डायरेक्ट कह क्यों नहीं देती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कहूंगी, कहना है। ये एहसास कितना हसीन है। हाय, ये जज्बा कितना दिलकश है, कितना दिल फरेब है। इस एहसास में मैं जिंदगी गुजार सकती हूँ। He is my hero. रानी मैं कोई मोना लिसा, देख के तेरी मस्त जवानी कोई नहीं है मेरी जैसा। झील सी गहरी तेरी आंखें, कोरी कोरी तेरी बाहें, फूलों की तू है खुशबू। बाकी तो वाह कि मेरा मेरी मेरी रूप का प्याला, तू बड़ा है हिम्मत वाला, तूने किया है जादू। बाकी तो वाह कि मेरा तन गिन तन तक धीम तक तारा, तन गिन तन तक लुब्बे का वाला, करे है रानी कोई मोना लिसा, देख के तेरी मस्त जवानी कोई नहीं है मेरे जैसा। तेरी बाहों में आके वो छाई बेखुदी, तेरी चाहत के रंग में रंगी है जिंदगी। मुझसे प्यार हो गया पहली बार हो गया, दिल निसार हो गया जाने जा। तेरी हो गई हूँ मैं, तुझ में खो गई हूँ मैं, ओ साजन ये जो बन ये तन बन सब तेरा। ये थर गिने दम तक धीम तक तारा, थर गिने दम तक लूबे का वाला, तरगिन दम तक धीम तक रसलीला, तरगिन दम तक रंगीला रंगीला। तक दिल ये करे है रानी, मैं हूँ कोई मोना लिसा, देख तेरी मस्त जवानी कोई नहीं है मेरे जैसा। लक्ष्मी
स्वाति, ओ स्वाति। क्या हुआ बेटा? सुना है आज ऑफिस में तुमने उसे डांटा, वो नाराज बैठी है। तुम छोड़ो माँ, मैं देख लेता हूँ। क्यों बहना, रूठ गई? क्यों ना होगी, जब भाई से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़े। तुम आग में तेल मत डालो, चुप रहो। जरा सुनो तो, रिकमेंडेशन की पॉलिसी हमारे पापा ने फैक्ट्री से खत्म कर दी थी, उसके खिलाफ जाकर तुम्हारे दोस्त को नौकरी कैसे दे दूं, बताओ तो। तो क्या उनके सामने मेरा इंसल्ट करना ठीक था? टेक इट इजी रे। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। वाओ, डायमंड सेट इस ब्यूटीफुल भैया। इसे मनाने के लिए लाखों के नेकलेस तुम इसे देते रहोगे ना, तो ये ऐसे ही नाराज होती रहेगी। पैसा क्या चीज है, ये बस यूं ही हंसती रहे। थैंक यू भैया। लगता है अब ये नाराज हो गई। ये क्या, अब तुम रूठ गई? मैं क्यों रूठूंगी? ये देखो, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? उसके लिए डायमंड नेकलेस, मेरे लिए चेन। गिफ्ट छोटा हो या बड़ा ये नहीं देखना चाहिए, डायमंड की जरूरत उसे है, तुम्हें नहीं। तुम खुद एक डायमंड हो, तुम्हारे लिए बाद में खरीदूंगा। मेरे दोनों भाई का है। उस टीम का खेल देख के कुछ सीख लो, चलो प्रैक्टिस करो, चलो। नहीं जी, हमारा टाइगर सत्य आने तक हम लोग का कोच नहीं। टाइगर टाइगर कब आएगा ये टाइगर? क्या ये तुम्हारा आने का टाइम है? टाइगर और ट्रेन कभी टाइम पर नहीं आवा था, वेट तो करना पड़े ना। पागल हो गया तुम्हारी बातें सुनकर, चल तैयार हो जा। अगला बार टूटी तो हार खुपड़िया। क्या मारे जी, क्या आयरन बॉडी है जी? बॉडी मामूली है, प्लेट लोहा के बाड़ू, संभार के रखा उधार के लाई लाई, समझ लो। ड्रेस लाइन को पार करने से पहले हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तुम नहीं खेलोगे? कैप्टन रीड के हड्डी हो तारा, वो मैदान में नहीं घुसता तारा। खेलो ना। का तू धोनी के खेल देख ले बाड़ू? वो क्रिकेट है ना, आपके पाँव में मोच आ गई तो। टाइगर 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 टाइगर। आउट होए के बाद भी सीटी काहे नहीं मरना? तू इतनी जल्दी आउट हो गया? आउट है नहीं तो हमरा के आखिर तक खेले पड़े। उतना हिम्मत हमरा में नहीं हुआ। तू लग जा रहे। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। काल लौंडिया, तो हर तमाशा पूरा हो गई का? कल पता चलेगा लेडीज कौन है। क्या मियां, लास्ट ईयर जैसा समझ रहे? इस साल हमारे टीम में टाइगर है, अब जीत के दिखा। टाइगर किस जू से लाए, जिसकी दुम्मी नहीं। तू ठीक टाइम पर आ गई लू, नहीं तो तार भाई लोग के काट के रखे। सॉरी 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 सॉरी। पानी ले क्या? तुम जाओ जाओ जाओ। कौन कौन? जाओ जाओ। क्या लड़ाई झगड़ा है? अपन दूध पीते, भाई को घर में रख, अगर बाहर भेजा ना तो खोपड़िया तोड़ दे। तेरी तो। तुम यही रुको, छोटू चेन निकाल। अभी लाता हूं भाई। साइकिल चेन एक के बार में तो बॉडी का टुकड़ा टुकड़ा कर दे। देखो भाई, हम बिजनेस करने वाले लोग हैं, सुबह टाइम्स पढ़ना, दोपहर को बीबीसी देखना, शाम को कंप्यूटर पे बैठना, रात को इंटरनेट चलाना, यही हमारी जिंदगी है। मुझे मेरे भाई अपने जान से प्यारे, वो डिस्टर्ब होते हैं, मैं डिस्टर्ब होता हूँ, और जब मैं डिस्टर्ब होता हूँ तो अच्छा मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना है। बाप रे उता, साइकिल चेन को धागा जैसे तोड़ दे लू। हाँ भाई, अगर वही हाथ से हमारे पेट में एक फाइट मार देता तो हड्डी का कीमा बन जाता। हाँ भाई, इतना होए के बाद भी तुम लोग बचाने नहीं आ वाला। हाँ भाई, तुम लोगों के लिए 10% ब्याज में पैसा लेके तुम लोगों को बियर बिरयानी मटन चिकन खिला रहा हूँ, उधर मेरा ब्याज बढ़ते जा रहा है, तुम लोगों की बॉडी बन रही है, फिर हमारे बॉडी के कोनो सेफ्टी नहीं। उस फालतू का सॉरी क्यों कहा भैया? मैं तुम्हारे लिए सॉरी बोलना तो क्या, कुछ भी कर सकता हूँ। तुम ठीक तरह से पढ़ लिख कर बिजनेस करो, जैसे तुम एमबीए पूरा करते हो, हमारी फैक्ट्री की देखभाल तुम्हें ही करनी है, बहनों के लिए अच्छे रिश्ते ढूंढकर उनकी शादी करनी है, किसी कारण मेरे सपने न टूटे और हम भाइयों के बीच दरार ना आए। ओके कम ऑन। हाँ।
मेरी माँ की मौत पर भी तू नहीं आया, मैं तुझे नरक का रास्ता दिखाऊंगा। यही तो मेरा बाप है। नमस्ते बापू। हेलो माय सन, हाउ आर यू? जस्ट एवरेज। और बापू, मैंने आपको इस फोटो के जरिए पहचाना, आपने मुझे कैसे पहचाना? तेरी मम्मी ने मरने से पहले मुझे तेरी तस्वीर भेजी थी। आओ, मेरी मम्मी। गुड मॉर्निंग सर, ये रही आपकी कार और ये है इसके कागजात। कल तक ठर्रा पीने वाला आज बेंच खरीद रहा है। ए, मुंह बंद कर, मेरा चेक कैश हो गया। यस सर, ये है मेरा विजिटिंग कार्ड, जरूरत पड़ने पर मुझे फोन कीजिए। जरूरत अभी है, माल टिके में रखो। यार तू फालतू कार्ड क्यों रखते हैं आप? दुनिया में कुछ भी बेकार नहीं, इसे संभाल के रखो, कभी भी काम आ सकता है ये। चल मलाबार हिल चल। नहीं पाली हिल, लक्ष्मी के घर पे चलना है। जरा रुक जा भाई, वहाँ क्यों? हमारे हैसियत के बढ़ने की खबर सबसे पहले हमारे दुश्मनों को होनी चाहिए। क्या रिटर्न टिकट कटवाया? क्या रे? नहीं तो क्या, बरसों के बाद इंडिया लौटे हो, शांति से जियो, लक्ष्मी को भूल जाओ। चुप कर, तुम चलो। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। आप? मैं हूँ जनार्दन, पहचाना नहीं? मैं आपकी कंपनी में मैनेजर का काम किया करता था। वही जिसने भाई बनकर आपकी कंपनी में बड़ी सुरंग लगाई थी। ओ, तुम ही जनार्दन हो, परसों हो गए तुम्हें देखे हुए, कैसे हो? बैठो। अरे बैठ तो जाऊंगा ही, मैंने काफी कमाया है, अब हैसियत में आपके बराबर हूँ, इसलिए दिल की बात करना चाहता हूँ। आप अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में दे दे तो बहुत अच्छा होगा। मैं क्या कहूँ, मेरा बड़ा बेटा लक्ष्मी है, उसी से पूछो। नमस्ते लक्ष्मी नरसिम्हा जी, कैसे हैं? तुम यहाँ क्यों आए? अब तक उस तेवर में कमी नहीं आई? जो ऊपर जाए और नीचे आए, ये तेवर कोई मार्केट में बिकने वाला टैलकम पाउडर नहीं है, ये तेवर पैदाइशी है। कहो क्या काम है? तुम्हारी बहन और मेरे बेटे मांगने की तेरी औकात नहीं और शादी के लायक तेरा बेटा नहीं। क्यों क्यों नहीं? अब कैसे हम तुमसे कम रहे? कैरेक्टर, कैरेक्टर की कमी। गधे को खूब पहचाना, सीआईडी भी नहीं पहचान पाई, आपने कैसे जाना? तेरी हिस्ट्री बताने के लिए इंटेलिजेंस और हिस्ट्री लेक्चरर्स की क्या जरूरत, ये तो गली के कुत्ते भी बता सकते हैं। निकलो बाहर। फिर मिलेंगे। नहीं, फिर यहां कभी मत आना। नमस्ते। बोतलों पर बोतलें पिए जा रहे हो, बेचारी बोतलें खाली हो रही हैं। लेकिन तुम्हारा दर्द कम नहीं हो रहा है, मैंने कितनी बार समझाया कि उसके घर पे मत जाओ, सुनामी को देखकर भागना चाहिए, उसे देखकर खड़ा नहीं होना चाहिए। पापा जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, पता है डूब जाऊंगा लेकिन फिर भी वहां जाऊंगा। एक शक की औरत और बेइज्जत करने वाले मर्द को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तुमने देखा उसने मुझे कितना जलील किया? दिल्ली के कंपनी के टेंडर फॉर्म्स भेज दिए। भेज दिए सर। अपने रामू की बेटी की स्कूल की फीस भेज दी? वो चेक मैंने कल ही भेज दिया सर, ये वर्कर्स की सैलरी के लिए है। थैंक यू सर, थैंक यू। एमडी के जाली दस्तखत करना बहुत बड़ा जुर्म है सर। अनजाने में करना जुर्म, जानबूझ के करने का मतलब बहादुरी। लक्ष्मी के सिग्नेचर से लाखों की पूंजी लगेगी हमारे हाथ, बस हफ्ते भर में इससे बड़ी फैक्ट्री डालूंगा मैं। अपनी क्रिमिनल नॉलेज से उसे देश की नंबर वन कंपनी बनाऊंगा मैं। तब ये लक्ष्मी बाबू और वो राम मोहन राय मेरी कंपनी के शेयर्स के लिए देखना मेरे पैर पकड़ेंगे। 100 करोड़ का लोन मेरी लेदर इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए बैंक से सैंक्शन हो गया है। जब तक वो पैसा हाथ में आता है मुझे यहाँ हाथ जोड़ के काम करना है। मेरा बाप तेरे पैर पड़ेगा, तुझे गटर से उठा के नौकरी दी तेरे लिए भगवान जैसा है। जो कंपनी हजारों का पेट पालती है तो उसे रोकना चाहता था। सर सर गलती हो गई सर, माफ कर दो सर। अगर आज तुझे माफ किया तो कल कोई और पैदा हो जाएगा। गद्दारों को मार डालना ही मेरी आदत है। हे, पुलिस को बुलाओ। आपके सारे पैसे मैं लौटा दूंगा, एक हफ्ते की मोहलत दे दीजिए, मेरा लोन सैंक्शन हो जाएगा, इसके बाद आप जो भी चाहे करें मुझे मंजूर होगा। आग को बुझा देना, गलती को मिटा देना, वरना जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। तुम जैसा नीच दया के काबिल नहीं। जेल से छूटने पर किसी ने मुझे खाना तक नहीं खिलाया, किसी ने नौकरी भी नहीं दी, चोरी चोरी दुबई जाकर वहां रोड साफ की, कचरा उठाया और उसके बदले की आग में मैं करोड़पति बन गया। मैंने जो एक एक पैसा जमा किया है वह उन्हीं की बर्बादी के काम आएगा। पैसों के बल पर वो तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। जिंदगी में हर इंसान कोई ना कोई गलती तो करता ही है और वही उसकी बर्बादी का रास्ता बनती है।
बस डॉक्टर आ गए। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते। मैंने सुना है आप इंडिया के सबसे बड़े साइकाइट्रिस्ट हैं। मेरा इकलौता बेटा, मेरा वारिस, मैं चाहता हूं आप किसी भी तरह उसका इलाज करके उसे ठीक कर दें। कहां है वो? डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कल तक जो कोलकाता पे राज करता था, आज वो एक कायर बनकर इस कमरे से निकलने में डरता है। पता नहीं किस बात का खौफ बैठ गया है इसके अंदर। जरा देखिए तो। देखता हूँ। जाइए देखिए ना। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? किस बात का डर है तुम्हें? डरो नहीं, ये सोचकर जियो कि तुम्हारे जैसा शक्तिमान इस दुनिया में कोई और नहीं है। समझे तुम? यहां पर ध्यान लगाओ, यहां पर। Close your eyes. पापा, वो मुझे मार डालेगा। पापा, वो मुझे मार डालेगा। पापा, आप मुझे मार डालो। वो मुझे मार डालेगा। डरो मत। वो मुझे मार डालेगा। मैं हूँ ना। प्लीज। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे मार डालो। कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, आप जरा बाहर आइए। देख रहे ना डॉक्टर, कैसी हालत हो गई है उसकी। अब आप जल्दी से जल्दी किसी भी तरह उसे ठीक कर दीजिए। ये केस अब आपके सुपुर्द। क्या उसका सामना कभी भूकंप या सुनामी से हुआ है? अब क्या बताऊं डॉक्टर, उसका सामना एक मामूली इंसान से हुआ था। हमारे लिए वो मामूली होगा, लेकिन उसमें आपके बेटे को अपनी मौत नजर आ रही है। आपके बेटे के इलाज के लिए उस आदमी को जिसे देखकर ये डरता है, उसको इसी के सामने भस्म करना होगा। डॉक्टर, वो कहां रहता है पता नहीं, वो क्या करता है मालूम नहीं। जिसने भी उसे देखा था वो आज बात करने लायक नहीं रहा। उसका पता लगाओ, उसी की मौत में आपके बेटे की जिंदगी है। तू आखिर है कौन? चाहे तू लाखों मील दूर ही क्यों ना हो, तुझे मारना ही मेरा लक्ष्य है। तू कहां है रे? पूजा किसके नाम की होगी बेटा? नंदिनी। डॉक्टर। हाँ लक्ष्मी, आओ। अब ये कैसी है? अभी कुछ नहीं बता सकता, पता नहीं कब होश में आएगी, लेकिन वो हमारी बात समझ रही है पर अपनी बात नहीं बता पा रही। चाहे जितना खर्चा हो होने दीजिए, पर ये जिंदा रहे प्लीज। फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। विश यू हैप्पी बर्थडे। तुम ठीक हो जाओगी नंदिनी, बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। Oh,
कसम लड़की को कहीं देखा है क्या? जी नहीं। बस क्यों रे, वो मिला क्या? हम अभी आए हैं, अब तक कोई खबर नहीं मिली। ढूंढो उसे, गली गली ढूंढो उसे। मैं उसे देखने को बेताब हूँ, मेरा खंजर उसके खून का प्यासा है, वो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो ये चोट कैसे लगी? कबड्डी खेलते हुए लग गई। लो पियो। हमें इसकी आदत नहीं अंकल। तो आदत डाल लो। भैया को पता चला तो मारेंगे। भैया मारेगा? अरे ईश्वर में भी भाई, ये क्या वो मजे ले और तुम लोग नहीं? भला ये कैसा इंसाफ? वो बेंच चलाता है और तुम्हारे लिए सिर्फ एक खटारा घूमने को? फैक्ट्री का एमडी बनके वो तो सारे ऐश करता है और तुम दोनों को पॉकेट मनी के लिए उसके सामने हाथ फैलाना पड़ता है। अगर ऐसा ही रहा तो तुम लोग कब एंजॉय करोगे? हाँ अंकल, हमें आजादी बिना घुटन लगती है। अपना खुद का बिजनेस शुरू करो फिर तो। आजादी आजादी, वो देखो आजादी आ गई। आओ भाई आजादी बैठो। हाय। हेलो। ये कौन है अंकल, आपकी बेटियाँ? ऐसे समझ लो, तुम लोग बातें करो, मैं आता हूँ। हेलो, आई एम सुषमा। आई एम दिनकर। अब ये तो दलाली पर भी उतर आया। चलो 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 चलो, उतरो 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 उतरो, चलो घर आ गया, घर आ गया, उतरो, चलो उतरो। अरे घर हमारे पास है, हम घर के पास आए हैं, चलो अंदर चलो, कम से कम कम चलो। अरे कुछ नहीं हुआ, चलो पापा यहाँ से खिसक लें। करंसी हम जेब में रख सकते हैं, लक्ष्मी एक करंट है, वो हमें जला देगा। तू क्यों डरता है रे, मैं हूँ ना तेरे पास। शौक पड़ोसी को भी लगता है। राजू। हाँ साहब। ले जाओ इन्हें। अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो मुझसे निपटो, पर मेरे भाइयों को पिलाने विलाने की कोशिश मत कर, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ये अपने भाइयों को समझाओ। गलती मैं सिर्फ एक बार बर्दाश्त करता हूं, दूसरी बार जान ले लूंगा। छोटे भैया सोने देना यार, बड़े भाई बुला रहे हैं। भैया क्यों? कल रात के बारे में कुछ बात करनी है। मुझे बुलाया कि इसे? सिर्फ आपको। जा बोल दे जिसे कोक समझ के पिया वो विस्की थी। क्यों भाई,
कल रात का नशा उतरा कि नहीं? मैं समझा कि कोक था, लेकिन वो विस्की निकली, यही ना? लेकिन भैया ऐसा है कि क्यों? उसने मारा क्या? नहीं तो फिर तुझे बुलाया है? मुझे? मुझे क्यों? कुछ नहीं रे, पूछने को कि क्या पिया था? हाँ। कह देना कोक समझ के पी गया, कुछ नहीं होगा, बस इतना ही। हाँ चल जा, जल्दी जा। हाँ अब ये लौटेगा कि नहीं? भैया बोलो। कल रात जो गलती से, हाँ वो अनजाने में पी गए, दरवाजा बंद करना आता है ना? भैया दरवाजा बंद करो। हाँ? नहीं भैया मत मारो। अगर कल मना कर देते तो आज ये पिटाई नहीं होती। भैया क्या रे, पिटाई हुई? नहीं नहीं मुझे नहीं, तुझे पड़ी क्या? नहीं नहीं मुझे नहीं मारा, मुझे लगा शायद तुझे मारा होगा। जब उसने तुझे नहीं मारा तो मुझे क्यों? तुझे नहीं पड़ी, मुझे नहीं पड़ी। इसको पड़ी है लेकिन मेरी तरह छुपा रहा है। माँ जरा काढ़ा तो ले आना। आज कॉफी के बजाय काढ़ा किस लिए भैया? कॉफी हम पियेंगे, काढ़ा ये पियेंगे। पियो। बहुत कड़वा है माँ। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। बेटा कुछ जिम्मेदारियां इन पर भी डालो ना। न, 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 नहीं, 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 हमें नहीं। जो मुझसे कहना चाहते हो वो अपने भाई से ही कह दो ना। ये दोनों कोई होटल खोलना चाहते हैं। ऐसा क्या? ऐसा है जैसे लक्ष्मी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है वैसे ही लक्ष्मी ग्रुप ऑफ होटल शुरू करना चाहते हैं। कितना पैसा चाहिए? शुरुआत 25 लाख से और बाकी बैंक से लोन लेंगे। तुम अपने हाथों से दो। थैंक्स भैया। थैंक्स भैया। याद रहे व्हेन मनी इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। नाम पैसे से बढ़कर है, याद रखना। हाँ भैया। क्या भाई लिफ्ट चाहिए का? नहीं पैसा चाहिए, शकुंतला ने पैसा वसूली के लिए भेजा है। अगर नहीं दू तो तेरे को उठा लेंगे। तुम्हारी शादी हो गई? हो गई। और तुम्हारी? नहीं। तो जाओ जाके शादी करो और अपनी महरारू के पास रहो, फालतू में अपना जान जोखिम में मत डालो। जाओ जाओ जाओ। दीदी से बोलो। तेरी दीदी गिद्दी पिद्दी पूरी को जाके बोल दे उसके पास ये टाइगर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आप यहाँ क्यों आ गई दीदी? तू ना ही आवत रहलु ना? कहे के हम ब्याज लेके आवत चाहता नहीं ना। असल रकम कितना होवत रे? 25,000। ब्याज कितना? नहीं मालूम। पूरे 50,000 ब्याज और असल का टोटल वा कितना है रे? वही 30-35-45,000। कहा दीदी 10% ब्याज है ना तो अन्याय है दीदी, रउआ सोची ना दीदी, ये तो महापाप है दीदी। कब लौटाई? कल परसों तरसों 5-6 महीने में लौटा देव दीदी। ये सही बकवास करत रह, एकरा फटफटी हमरा दूध के वैन में डाल रहे। हमार गाड़ी के कोनो हाथ न लगाई। का बोला रे? हमार मतलब गाड़ी लोन पे है, प्रॉब्लम हो जाए दीदी, कोनो अपन भाई संग ऐसे करा था का? कब तक खाली बतिया से काम चलाई रे? तू बोला जाता हम सुना जात रहा, मगर हमार पैसा। एक मिनट। ए शकुंतला। का बोला रे? तू हमरा के अरे तुरे बोलत रहा, हम बोल दिया तो आग लगला। कल सुबह 9 बजे के अपॉइंटमेंट दे था, हमार खोली में आके पूरा पैसा कलेक्ट करके ले जा। सुबह सुबह पैसा कहाँ से लाएगा रे? जाना था किसकी फोटो हम अभी खींच ले हैं? केकरा है? लक्ष्मी इंडस्ट्रीज के एमडी लक्ष्मी नरसिम्हा के बहन। हाँ? के ये फोटो दिखा के हम उखरा के ब्लैकमेल करब तो लाखों मिली। कल का कल हमरा पूरा पैसा लौटाए के पड़ी रे मुझे। रुक 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 रुक, बीच सड़क में एक औरत को मार के मैं अपना नाम नहीं खराब करना चाहता। फोट फोट फुट यहाँ से। हाय हमरा गाड़ी के काहे लात मारत रे? अब तुझे मारूंगा। हाय हाँ, इस टाइगर का टाइम आ चुका है, कोई नहीं रोक सकता। नोबडी कैन स्टॉप टाइगर। तुझे तेरा पूरा पैसा दूंगा और ऊपर से बख्शीश भी दूंगा, रख लेना। समझ गई मोटी? चलट। दीदी ये कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रहा? अगर हमार पैसा ना दी तो कल आंखों दे। टाइगर ना मेरा। टा 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 टा। ओए अंधा है क्या? कैसा रे? टा 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 रा रा। ए लड़की। हाय 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 हाय। गाल जैसे सेब, अंगूरी आंखें, होंठ जैसे चेरी, तुम तो ऊपर से नीचे तक फ्रूट मार्केट लगती हो। नाम क्या है तुम्हारा? शैलू। सायला। शैलजा।
नाम भी फिगर को मैच करता है। लक्ष्मी है क्या? लक्ष्मी जी हमारे एमडी। एमडी तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं। वो है क्या? अंदर अपने चेंबर में है। अंदर? बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हारा मर्द है। पहले जिप बंद करो। अरे लक्ष्मी, क्यों भाई लक्ष्मी, बहुत बिजी हो क्या? एसी काम नहीं कर रहा है क्या? अच्छा सुनो, जरा 1,00,000 रुपए निकालो। क्यों? 2,00,000। किस लिए? 3। क्यों किस लिए पूछोगे तो हर सवाल में 1,00,000 रुपए पड़ेगा। शौक लगा ना? ये फोटो दिखा के मैं तुमसे 1,00,000 वसूल सकता हूँ। फिलहाल सिर्फ 3,00,000 से काम चलेगा। कमान 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 कमान। इस फोटो में बुरा क्या है? बुरा क्या है? तेरी बहन और उसका लवर है, एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करने वाले। भैया ये क्या कह रहे हो? अभी तक तो शादी नहीं हुई ना, प्रेम ही कर रहे हैं ना। इस तरह घूमना फिरना गलत है ना। मुझे 50,000 रुपए दे दो। तेरा नाम क्या है? टाइगर भैया। क्या? वैसे सत्या नाम है मेरा। लोग मेरे को सत्या टाइगर कहकर पुकारते हैं। आप मुझे सत्या पुकारो, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। मुझे पैसा दे दो, मैं बड़ी आस लेके आपके दर पे आया हूँ। मुझे निराश मत करो, बाहर से कुंतला मेरा इंतजार कर रही है, वो मुझे जान से मार देगी। आप ऐसा मत करो। आप चाहो तो मुझे मार लो, पर वो शकुंतला मुझे जान से मार देगी। आप पैसा देंगे ये सोच कि मैंने उसको बहुत गालियां दी है। आप शकुंतला को नहीं जानते। क्या तू मुझे नहीं जानता? कारे पैसा लाई का? नहीं, वो कहना हमारा टाइम बहुत खराब चला था। टाइगर का टाइम आ गए तू कर लू ना? नहीं आया ना। कारे फूट रे, हम चेक लावा तो बोला रे। हम जे भी कहानी तो के ना, वो अपन माँ बहनी के कहानी। आप चाही तो सजा दी हमरा के, सजा दी। हमरा पैसा? परसों मतलब कल स्कॉलरशिप मिलते ही पैसा दे दे। हैं? सच्ची में? ऐसे मत देखो ना, मेरे को डर लगता है। दीदी मैं चलता हूँ। दीदी है? गोबर निकाल दिया। कॉलेज में पढ़ने वाला लड़कियों के साथ घूमने वाला लड़का। अरे आता हूँ दीदी, अब भैंसी का पेट खराब हो गया तो मैं क्या करूँ? दिन रात मेहनत करके वो तुम लोगों की अच्छी परवरिश कर रहा है, और एक तू है जो पार्टी में और अपने प्रेमी के साथ मौज मना रही है। शर्म नहीं आई? माँ क्यों तू इन लोगों के लिए इतना परेशान होता है? जब उस राम मोहन राय के बच्चों के चाल चलन को 4 लोग देखेंगे तो हमारे खानदान के नाम का क्या होगा? ये सब क्या है? मुझे माफ कर दो भैया। तूने बचपन से बताया है कि मुझे फलाना ड्रेस पसंद है, फलानी कार पसंद है, फलानी फिल्म पसंद है। अपने हर पसंद मुझे बताए, लेकिन ये एक बात अपने भाई से क्यों छुपाई? आपको बताने से डर रही थी भैया। जब प्यार करने से नहीं डरी तो बड़ों को बताने से क्यों डरती हो? माँ तुम्हें लड़का पसंद है? ये तो क्या कह रहा है, मैं उसे कैसे पसंद करूंगी? माँ बाप नहीं, घर बार नहीं, कोई ठिकाना नहीं, ऐसे किसी बेरोजगार लड़के को मैं अपना दामाद कैसे बना लूं? हमारे पास सब कुछ है माँ, पर किसी व्यक्ति की संपत्ति को देखकर उससे प्यार नहीं करना चाहिए। अगर वो खाली हाथ है तो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। तेरी मर्जी, मुझसे बेहतर तू जानता है कि क्या अच्छा होता है और क्या बुरा। जो तूने सोचा है वही ठीक है। थैंक्स माँ। ए, जैसे तुम्हारी बहन ने चाहा वैसा ही होगा। शादी बड़ी धूमधाम से होगी, सबको खबर करता हूँ। थैंक्स भैया। तुम जेंट सेक्शन में? हाँ ओके भैया। ये साड़ी अच्छी है ना? क्या रेट है? 30,000। 1,00,000 से ऊपर की बताओ, उससे कम नहीं। बहन पर 1,00,000, फिर तो मुझ पर करोड़ों खर्च करेगा। करोड़ की कोई साड़ी नहीं है। भैया क्या भैया, ये साड़ी कितनी अच्छी है ना? इसका रेट क्या है? 65,000 सर। 65,000 जी सर।
ये बढ़िया है, ये ले लो। ये क्या? ये तो सिर्फ 4,000 की है। साड़ी की कीमत नहीं देखी जाती, रंग देखा जाता है। रंग अच्छा है, रख लो, खूब जचेगी तुम पर। सर मेरे लिए इतना महंगा सूट क्यों? आज से तुम अनाथ नहीं हो, राम मोहन राय के दामाद बनोगे। अब तुम मेरे भाइयों में से एक हो। जी सर। हमसे बढ़कर भी हमारी बहन का ख्याल रखना। ऐसा ही होगा। सर यहाँ बिल चुकाने के लिए लाखों भी कम है। लाखों क्या, करोड़ों का हो जाए। माँ बहन पे क्या खर्च किना नहीं जाता। चाय बोल क्या? हम नहीं जानते वो कौन है। अगर ये मिली तो वो भी मिलेगा। अगर इसे नहीं पकड़ा तो बॉस हमें नहीं छोड़ेगा। क्या करें? Hi, how are you? Hope you are enjoying yourself, right? लक्ष्मी ग्रुप ऑफ होटल्स, क्या बात है। जहाँ तुम्हारा पांव पड़ा वो जगह सड़ गई। सो एंजॉयिंग योरसेल्फ? यस। हेलो। ओह हाय अंकल। बिजनेस कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया, एवरीथिंग इज फाइन। और भी बढ़ेगी। कुछ लड़कियां विदेश से आई हुई हैं, मैं उन्हें भेज रहा हूँ, उनसे टॉपलेस डांस करवाओ। लड़कियां? पुलिस से प्रॉब्लम आ सकती है अंकल। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस बिजनेस में सब कुछ करना पड़ता है। कोई प्रॉब्लम आई तो मैं देख लूंगा, समझ गए? ओके अंकल, भेज दीजिए। हाय स्वीटहार्ट। हेलो। वेलकम गर्ल्स। सो हाय जैक। बाप रे बाप, बदला इंसान को एक वैश्य तो बना देता है, लेकिन दल्ला बनाते हुए आज पहली बार देख रहा हूँ। आपका जनार्दन अंकल ने भेजा है। प्लीज कम, प्लीज कम। प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, बिजनेस जाओ संभालो। ये क्या पापा? होटल नया नया खुला है और नया नया ही बंद हो जाएगा। आओ। अब पुलिस आएगी और दोनों भाइयों को पकड़ कर ले जाएगी। कल अखबार में खबर पढ़ के लक्ष्मी को दिल का दौरा पड़ेगा और तो मर ही जाएगा। आप ज्यादा ही ख्वाब देखते हैं। कमिश्नर के बजाय ये कहां से टपक गया? क्या मैं उससे पूछूं? शट अप ड्राइवर, चलो। Hey, what's happening there? Wear some decent clothes and go home first. क्या रे, लड़कियों को मिनी स्कर्ट पहनाना यही तुम्हारा धंधा है? भैया सब देख रहे हैं। भैया तो देखने दो उनको। कह तो रहे थे कि होटल बिजनेस करते हैं, लेकिन बन गया तल्ले। मैं तुम दोनों की खाल खींच लूंगा। अंदर जाओ। बेटा, बेटा लक्ष्मी, क्या कर रहे हो? बस करो। क्यों बस करो माँ? तुम जानते हो क्या किया इन लोगों ने? छी! अगर कमिश्नर ने मुझे फोन नहीं किया होता तो ये जेल में होते, और फिर हमारे मरे हुए बाप के नाम पर दाग लग जाता। क्या गलती? ये अपनी गलती मान रहे हैं ना? छोड़ देना बेटा। छोड़ दूंगा माँ, हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। चले जाओ, फिर कभी अपना चेहरा मत दिखाना मुझे। बेटा लक्ष्मी,
बस बहुत हुआ, हम ही ये घर छोड़ देते हैं। इस महल में जूते खाने से तो अच्छा है कि हम सड़कों पे जाके भीख मांगे। बेटा लक्ष्मी, तुमने उन्हें अपने जिगर के टुकड़ों की तरह पाला पोसा और आज तुम्हें उन्हें अपने से दूर कर दिया, अब कहाँ जाएंगे वो बेचारे? क्या मैंने कुछ गलत कहा? हाँ बेटा। अच्छा, सॉरी माँ, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, शायद गुस्से में आकर कह दिया होगा, उनके अलावा मेरा है ही कौन? मैं तुम्हें समझती हूँ बेटा, वो नहीं समझते, वो घर छोड़कर जा रहे हैं। पगलो, घर छोड़ के जा रहे हो? क्या मुझे भी छोड़ के जा रहे हो? इन हाथों से जो गलती हुई है वही हाथ तुम्हें हार पहनाएंगे जब तुम बड़े आदमी बनोगे। अगर तुम नाराज हो तो मार लो मुझे, पर ये घर छोड़ के मत जाओ, मैं ये गम सह नहीं पाऊंगा। तुम्हें मेरी ताकत हो, मोहब्बत हो। हमारी बहन की शादी जल्द होने वाली, अगर तुम्हारी फोटो अखबार में छप जाती तो हमारे घर की इज्जत का क्या होता? यह हमारे घर की पहली शादी है, इसे धूमधाम से मनाएंगे। हमें मिलकर रहना है। नमस्ते। नमस्ते। हाँ? नमस्ते। हमें ये सोना दे रहे हैं? नमस्ते। सभी मेहमानों को दे आओ। नमस्ते। ए उतरो रे, उतरो, सब डब्बे नीचे उतारो, यहाँ क्या कबड्डी खेलने के लिए आए तुम लोग? तू क्या करत है बे? थोड़ा इज्जत से बोलना। इज्जत तोरा से मुझे सा कहीं का। ए, एक सर पे दूध का डब्बा रख रहा है। डाला। हमारे दीदी, क्या करूं दीदी, कॉलेज में पढ़ने वाले से गोबर उठवाया तूने रे दीदी। ए, खुद खाका के हो गई भैंस और मेरी निकाल दी गैस। दीदी तेरे पैरों का कितना हसीन है दिल, एक दिन कमा कमा के चुकता कर दूंगा तेरा बिल, मरने से पहले तेरा कर्जा जाएगा तुझे मिल। हमरा कर्जा चुकाए बिना तू नहीं मरेगा, नहीं तो तोड़ के मार डाला मुझे। नमस्कार लक्ष्मी नरसिम्हा जी। ये लीजिए अंकल। ये क्या गोल्ड कॉइन दे रहे? खूब खर्चा कर रहे हैं बहन की शादी पे। पैसा क्या है, अपनी बहन की शादी को यादगार बनाना है। अच्छा ठीक है, ये है मेरा इकलौता बेटा लोकेश। हेलो। आपकी छोटी बहन और लोकेश एक ही क्लास में पढ़ते हैं। मैं कुछ पर्सनल बात करना चाहता था, लेकिन जब शादी हो जाए उसके बाद में बात करते हैं। ठीक है सर। आप लोग है ना मुझे उठाने के लिए? कम से कम 10 लोगों की जरूरत है। आपने मुझे पहचाना? नहीं तो। लेकिन मैं आपको जानता हूँ, ये शादी मैंने ही तय की है, लेकिन आप नहीं जानते, मेरी जिंदगी बदल सकती थी लेकिन सब खत्म हो गया। वो शकुंतला है ना? कौन? अरे वो दूध वाली डॉन, मैं उससे परेशान हूँ, प्लीज मुझे 50,000 रुपए देके मेरी मदद कर दीजिए। देखो, मेरे होने वाली बीवी अमीर है, मैं नहीं। काश शकुंतला से शादी होती, कम से कम 100 रुपए दे दो, क्वार्टर मार के सो जाऊंगा, पूरा शरीर दुख रहा है। नमस्कार एमडी साहब। क्या है, बिन बुलाए क्यों चले आए? बेशर्मों को क्या बुलाना, शट अप। आओ, दावत सिर्फ दुल्हन के घर से ही नहीं आ सकती, वो दूल्हे के घर से भी आ सकती है। क्या तुम दूल्हे को जानते हो? तुम्हारे हर जानने वाले को जानना ही अपना काम है। इतनी जानकारी ठीक नहीं होती, बूढ़े हो गए हो, संभालो। स्वाति तुम तैयार? अरे शादी का मुहूर्त चला जा रहा है, चलो जल्दी करो। अरे हो रही है ना। गुड इवनिंग सर। चलो, ड्रेस तो खूब जच रहा है। अभी मेरी शादी पक्की नहीं हुई है सर, तो कम से कम किसी की शादी में जाते समय अच्छे कपड़े पहनना अच्छा है ना। पहले से ऐसे कपड़े पहनती तो अब तक तुम्हारी शादी हो गई होती। थैंक यू सर। वो क्यों? मेरे ड्रेस की तारीफ की ना। ड्रेस ही नहीं, तुम भी अच्छी हो। हाँ? दुल्हन को लेकर आइए।
सच्ची जुगमा बला की मस्ती लाया ये सच्ची सच्ची मेरे लिए मस्ती का है ये मौसम बाहों में ले ले जन्म मैं ये जवानी लाई तेरे लिए जिस्म पे जिस्म नवल दिल में जगे हलचल दूसरा जन्म हुआ तो मैं तेरी माँ नहीं तेरी बहन बनूंगी हम आपको ये चांस नहीं देंगे माँ मुझे बड़ी खुशी है कि आप खुद यहाँ चलकर आए मेरी छोटी बहन का हाथ मांगने हम क्या कर सकते हैं जब हमारे साहबजादे आपकी बहन से शादी करने की जिद पकड़ के बैठे हैं आप जैसे लोगों के साथ संबंध बनाना हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी ठीक है असेंबली की तरफ भाषण नहीं दूंगा सीधे पॉइंट पे आता हूँ खंडाला के पास मेरी 10 एकड़ जमीन है वहाँ एक बड़ा सा हॉस्पिटल बनवा दीजिए डॉक्टर बनने के बाद ये वही प्रैक्टिस करेंगे जैसी शादी हुई वो तो हम सब ने देखा है इस बहन की उससे भी बढ़ के करेंगे अगर देना चाहें तो बेलापुर वाली फैक्ट्री अपनी बहन के नाम लिख दीजिए आपकी बहन के लिए एक प्रॉपर्टी बन जाएगी क्या हुआ आप चुप क्यों हो गए मैंने कुछ गलत कहा क्या आपकी मांग में कोई बुराई नहीं है लेकिन वो देने की ताकत मुझ में दहेज में मैं सिर्फ 2 लाख की रकम दे सकता हूँ
बड़ी के मुकाबले छोटी की शादी नहीं कर सकता। उसकी शादी मंदिर में होगी। एक मिडिल क्लास लड़की जैसे अपने ससुराल जाती है, ठीक उसी तरह मेरी बहन अपने ससुराल जाएगी। क्यों लक्ष्मी नरसिम्हा जी, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? ना ये मजाक है ना ही गुड़ियों की शादी, मेरी बहन की शादी है। मेरी बहन की शादी के लिए मेरा यही बजट है। मेरा बेटा आपको पसंद नहीं, मैं कबूल कर लूंगा। हमसे संबंध बनाना आपको पसंद नहीं तो मैं चुप रहूंगा, मगर 100 करोड़ के जायदाद का मालिक एक बहन की शादी इतनी शानो शौकत से करे और दूसरे बहन की शादी लो बजट में करेगा, ये मानने को मूर्ख होटल नहीं, मिनिस्टर हूँ। आप मानिए या मत मानिए, मैं सच कह रहा हूँ, उस बहन की शादी की तरह इस बहन की शादी मैं नहीं कर सकता। बहुत मान लिया, अगर थोड़ी देर और रुके तो ये कहेगा कि जिस जोड़े में इसकी बहन की शादी हुई है उसी में विदा करेगा। चलो बेटा। बाबूजी प्लीज, चलो यहाँ से। बेटा लक्ष्मी, मैं इसलिए चुप रही क्योंकि तेरे इनकार की कोई वजह होगी, लेकिन पैसों को वजह बनाना ये ठीक नहीं लगा। क्यों रे, मैंने जो उन्हें मना किया वो तुम्हें बुरा लगा? नहीं भैया, मुझे तो बल्कि बहुत खुशी हुई। माँ और बहन पे खर्च का हिसाब न रखने की बात आपने कही, लेकिन जब मेरी शादी की बात आई तो आप हिसाब रखने लगे। बड़ी के लिए डायमंड नेकलेस और छोटी के लिए छोटी सी चेन क्यों? भाई के दिल में मेरे लिए इतना सा बजट क्यों है ये आज तक मैं नहीं समझ पाई। जब फैक्ट्री के वर्कर्स आपके लिए एक समान है तो घर पे दोनों बहनों में भेदभाव क्यों? माँ, आपका बेटा तो हमेशा इंसाफ ही करता है ना, क्या ये इंसाफ है? बहन के नाते मेरा हक नहीं, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। नहीं हो, तुम इस घर की बेटी नहीं, ना सिर्फ तुम, मैं भी इस घर का बेटा नहीं। ये क्या कह रहा है? मुझे मत रोको माँ, आज अगर इसे मैंने सच्चाई नहीं बताई तो ये यूं ही हमेशा झूठ को सच मानती रहेगी। हम दोनों यतीम हैं। कर्जा न चुकाने की वजह से हमारे माता पिता ने आत्महत्या कर ली थी, रिश्तेदारों ने हमें जुदा कर दिया। और हम घर से बेघर हो गए। संभल के जाना। हाँ टाटा। सुनो तो, तुम उसे भी उनके साथ स्कूल क्यों नहीं भेजती? अगर वो स्कूल जाएगा तो घर का काम कौन करेगा? देखा मामी, मुझे थोड़ा दही मिल सकता है क्या? क्यों, दही बिना खाना नहीं खा सकता? दही कहाँ से लाऊं? दही खाने के लिए नहीं मामी, रस्सी खींचने से मेरे हाथ छिल गए हैं, अचार को चावल में मिलाने से जलन हो रही है। कोई जलता वलता नहीं, खाना है तो अचार के साथ खा। बेटा तेरी उम्र ऐसी है जो पानी से अपनी भूख मिटा लेती है, लेकिन अपनी दूध पीती बहन के बारे में तो सोच। क्या मुसीबत है, मैं सो नहीं सकती। ए जी, इसे उठा के बाहर फेंक दो। बाहर कितनी ठंड पड़ रही है। परवा नहीं, इसका झूला बाहर बांध दो। अब तू आधी रात को चोरी करने आ गया? मेरी बहन है चाची, मैं अपनी बहन को ले जाना चाहता हूँ, कृपा करके हमें जाने दीजिए। अगर ये मुसीबत को यहाँ से लेके जाना चाहता है तो लेकर जा। ले ले ले। हाँ? क्या हुआ बेटा? मैं आपका सामान अंदर रख देता हूँ, आप मुझे 2 रुपया दे दीजिए, मेरी बहन दूध के लिए बिलख रही है। पैसों से पहले तूने काम मांगा, तू बहुत तरक्की करेगा बेटा। लाओ बच्चा मुझे दे दो। अरे रे, इसे तो बुखार है। ठीक है, तुम सामान लेकर जाओ। जानकी, इसको थोड़ा दूध पिला दो। ये लो। हाँ, यहाँ आओ। ले 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 ले। अरे रे रे, दूध तो खत्म हो गया। अरे एक्सप्रेस आ रही है, ब्रिज से क्यों नहीं जाता?
हमारे रिश्तेदार तो बहुत थे, लेकिन कोई भी हमारे काम ना आया। अजनबी होकर भी आप लोगों ने मेरी बहन को दूध पिलाया। जो किसी भूखे की भूख मिटाए और मुसीबत में किसी के काम आए, जीते जी ऐसे इंसान को कभी मत भूलना। तो मेरी छोटी बहन को देखने के लिए आप लोग तो है ना, लेकिन मैं जानता हूँ जब घर का कोई बड़ा नहीं रहता तो छोटे बच्चों पे क्या गुजरती है। आज से तू मेरा सबसे बड़ा बेटा है। अब ये बता मेरी बहन, तेरे दूध के लिए मैंने 2 रुपए मांगे थे, तो क्या तेरी शादी पर 2 करोड़ खर्च करना इंसाफ होगा? हम कहीं नौकरों का जीवन बसर कर रहे होते अगर यह परिवार हमारा सहारा न बनता। हमें इन्हें दुआएं देनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी पर नजर नहीं रखनी चाहिए। अपने बाप को दिए हुए वचन के अनुसार मैंने इस परिवार और कंपनी को संभाला है। दिखने में मैं घर का बड़ा हूं, पर मेरा दर्जा एक वर्कर का ही है। मैं अपनी नौकरी के लिहाज से तनख्वाह लेता हूं, उसी तनख्वाह से तुम्हारी फीस देता हूं और उसी से तुम्हारी शादी करना चाहता हूं। ये गलत है माँ? हाँ गलत है। तुम्हारा ये सोचना कि तुम एक वर्कर हो वो गलत है। ये लाखों की संपत्ति तुम्हारी वजह से करोड़ों की हो गई है। मैं तुमसे कह देती हूँ, मेरी छोटी बेटी का ब्याह मिनिस्टर के बेटे से ही होगा। ए, वो लोग जितना दहेज मांग रहे हैं हम उतना देने के लिए तैयार हैं, ठीक है? जाओ अपने भैया को समझाओ। ये क्या भाई, जो अब तक राज था अब उसे क्यों खोल रहे हो मेरे भाई? हमारे स्कूल के बैग तुम उठाया करते, मार हमें पड़ती दर्द तुम्हें होता। जब हम मैच जीतते तो तुम खुश होते, जब हारते तो उदास होते। हमसे इतना प्यार जताने की क्या खूब एक्टिंग की है मिस्टर लक्ष्मी नरसिम्हा। हमारे लिए बहुत काम कर लिया, अब अपने और अपनी बहन के लिए काम करो। हमारा घर और फैक्ट्री छोड़ के दफा हो जाओ। हमारा तुम्हारा खून का रिश्ता नहीं था, इसलिए हम जो करते उसमें गलतियां निकालकर हमें जानवरों जैसा पीटा, क्योंकि तुम हमसे जलते हो। ए, ये तुम क्या कह रहे हो? रुक जाओ माँ, ये मामला तुम्हारे अपने बेटे और एक लावारिस के बीच का है, बीच में मत पड़ो। अगर हमसे ज्यादा वो आपको प्यारा है तो हम ये घर छोड़ देते हैं। इस लक्ष्मी नरसिम्हा को धोखेबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। एक बार मैंने चेक पर फोर्जरी क्या कर दी, इसने तो मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी। उसी आदमी ने घर का बड़ा बेटा होके MD बन के कितने बड़े बड़े झोलझाल किए हैं। ये मेरे घर का मामला है, टांग मत अड़ाना, सर काट दूंगा। ये तुम्हारी फैमिली नहीं, मेरी फैमिली है। इस घर का बड़ा दामाद कौन है? मेरे भाई का लड़का। जिस घर में तुमने मेरे कदम आने से रोके थे, उसी घर में एक समधी बन के खड़ा हूं मैं। ये रहा मेरा नेटवर्क। सालों, अपने परिवार और अपनी जायदाद की देखभाल हम खुद कर सकते हैं। तू यहां से जाता है या हम चले जाएं? मां, मैं चलता हूं। लो एक लीटर दूध। हम दूध नहीं, भाई साहब बेचने आए हैं। अपन बाप को बुलावा। बाबा। बेटी
इतनी भैंसे एक साथ क्यों बेच रहे हो? कहा है कि हम एक ही बार बेच सकता हूँ, दोबारा नहीं। पूंजी को पास रखने से कीमत का पता नहीं चलता, बेचना अच्छा है। रेट क्या है बोलो? तोहरे पास कितना बा? बाबा इतनी सारी भैंसे खरीद के क्या करेंगे? दूध मिली, दही मिली, मक्खन मिली, चीख मिली और उसके बाद शकुंतला मिली। क्या कहा? चेक नहीं कैश चाहिए है। लाख रुपए दूंगा। लेट मत करो, 25 दे दो। कम ऑन गाइस एंजॉय। ये हे डीजे चेंज द बिग बैंग। अबे गधे। भाईजान बहुत दिन हो गए यहाँ आए हुए। व्हाट इज द लेटेस्ट नंबर? कहाँ थे आप? कम ऑन गर्ल्स लेट्स रॉक। भाई वो शकुंतला तुम्हारे को गुलाम बनाई थी, क्या हुआ उसने छोड़ डाला तुम्हें? मैंने उसे आजाद कर दिया। भैंसे? वेरी सिंपल, मैंने उसकी सारी भैंसे बेच दी। अगर ये दीदी को मालूम पड़ा तो? अरे पहले वो कांप उठेगी, बाद में सड़क पे आ जाएगी, पैसे मिलते ही रहेंगे। गेट आउट ऑफ माय साइट, गेट आउट मैन, गेट आउट, प्ले म्यूजिक, गेट आउट। दीदी वो डांस नहीं करती ना। फिर किधर बारे? शायद वो सब नाइट कॉलेज गए। हाँ? दीदी हमरा के ऐसे मत देखा दीदी। बाय गर्ल्स। बजाओ। आओ दीदी। हाँ? चलो अपने तबेले में चले चलते हैं दीदी। चेक ही बगार के ब्याज पे कभी पैसा मत लेना, नहीं तो मेरे जैसा हाल होगा। पहली फाइल कौन सी है जो मुझे साइन करनी है? ये रही सर, फैक्ट्री के पास वाली वो 100 एकड़ की जमीन जो वर्कर्स की कॉलोनी के लिए अलॉट की गई है। क्या बोली? 100 करोड़ की कीमत की जमीन वर्कर्स को दी जा रही है? जी सर। जमीन बिकने को है, इसका इश्तेहार अखबार में डाल देना। सर लक्ष्मी जी ने तो उसे वर्कर्स को देने का। ओ गधा क्या जाने, बिजनेस बढ़ाने के लिए ये दान धर्म थोड़ी ही किया जाता है। वो नहीं सर, जो कहूँ वो करो। अंकल के कदम आती है, हमें 100 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। देखते रहो आगे और क्या दिखाता है। शट अप। चलो सेट अप हो गया। असल में तुम्हारा प्लान क्या है? उस जमीन का पैसा तुम क्या सचमुच फैक्ट्री में लगाओगे? वो फैक्ट्री भी बेच दूंगा और उन्हें सड़क पर ले आऊंगा। आँखों को तो सिर्फ ये ऊपर वाला कोट ही दिखाई देता है, मगर अंदर की बनियान दिखती है क्या? मैं भी यूं ही धोखा देता हूँ। अगर लक्ष्मी को पता चला तो बनियान तो क्या कच्चा उतार के तुमको वो मार मारेगा। चंदू। माँ, माँ, भैया देखो तो माँ आई है। माँ कैसी हो तुम? माँ तुझे देखने का मन किया इसीलिए चली आई। मैं भी तुम्हें देखना चाह रहा था पर आ नहीं सका। बैठ माँ। मेरे भाई कैसे हैं माँ? उन लोगों का क्या है, तुम्हें घर से निकाल के एक अच्छे खासे घर को क्लब बना के रख दिया है। मैं उन्हें अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए देख रही हूँ पर मैं कुछ नहीं कर पाती। भूल जा उन लोगों को। मैं जो छोड़ आया था वो जमीन और जायदाद थे, मेरे माँ और भाई ने। मैंने उन्हें उनकी भलाई के लिए मारा था। वो चोट उनके जिस्म पर नहीं दिल पे लग गई माँ, इसीलिए उनमें मेरे लिए प्रेम और गर्व के बजाय डर और गुस्सा पड़ गया। वो बदलेंगे माँ, उनकी देखभाल करो। नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी तेरे पास। नहीं माँ तुझे वहीं रहना है, अगर तू भी वहां पर नहीं रही तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, समझ रही हूँ ना माँ? नमस्ते मालकिन। आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं, सेकंड शिफ्ट में नहीं गए? शिफ्ट की तरह आपको बदल दिया गया, हमने ऐसी उम्मीद नहीं की थी सर। लक्ष्मी जी को फिर से एमडी बनाने के लिए अपने बच्चों को समझाइए ना मालकिन। वो बच्चे, उन बच्चों की परवरिश करके इसने बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब तो वो बहुत बड़े हो गए हैं, इतने बड़े हो गए हैं कि बड़ों को भी बड़ा नहीं समझते। तुम चुप रहो माँ, ये सब बातें बाद में करेंगे, काम पर जाओ। नहीं सर, आपको फिर से एमडी नहीं बनाया गया तो हम स्ट्राइक कर देंगे, फैक्ट्री में ताला लगवा देंगे। देखिए एक आदमी के लिए पूरी व्यवस्था और कंपनी को आप बिगाड़ नहीं सकते। और हमने यूं ही छोड़ दिया तो वो और बर्बादी करेंगे। आपने जो जमीन वर्कर्स को अलॉट की थी वो उसे बेचने वाले हैं। शैलो सारे प्रॉब्लम्स का हल खुद ही निकलेगा, चलो माँ।
मैं नहीं बचूंगा, डॉक्टर ने कहा है। पर एक बाप अपने बेटे के रूप में जिंदा रहता है ये वो नहीं जानते। बाबा मेरे जाने के बाद तू ही मेरे परिवार और कंपनी की इज्जत को बनाए रखना, अपने भाइयों और बहनों की परवरिश तुझे ही करनी होगी बेटा। ये मेरी निशानी है। ये जमीन हम तुम्हें बेचने नहीं देंगे। लक्ष्मी नरसिम्हा ने हमारे मकानों के लिए इस जमीन को अलॉट किया था, इसे बेचोगे तो फैक्ट्री में लॉकआउट होगा। कैसा लॉकआउट रे? जमीन की बात की तो कलेजा निकाल कर तारों में खोल के पिजाऊंगा। किसने जरूरत की इस जमीन को खरीदने की? मैंने। तो हेलो, हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, घर पे गया ना तो देर हो जाएगी। मैं स्टेशन से ट्रेन पकड़ के सीधा पटना आ रहा हूँ। हाँ क्या है ना, यहाँ हमारे धंधे को कोई चलने नहीं देता ना, इसलिए। किसने इस जमीन को बेचने की हिम्मत की? किसने? हमने दिया हुआ दान और दिया हुआ वचन कभी वापस नहीं लिया जाता। गलती करने पर मैं अपने भाइयों को भी नहीं छोड़ूंगा। ये क्या अंकल, बिना कुछ कहे आपने उसे जाने क्यों दिया? 100 करोड़ की ये जमीन एक पल में हमारे हाथों से निकल गई। तुम गए हुए 100 करोड़ के बारे में सोच रहे हो? मैं इस 1000 करोड़ की फैक्ट्री के बारे में सोच रहा हूँ। जो हमने इस जमीन को चुपचाप छोड़ दिया तो वो भी यहाँ से चुपचाप चला गया, अब वो फैक्ट्री नहीं आएगा। यहाँ क्यों आया रे? काम करने को। मुझे यहाँ बहुत से काम पूरे करने हैं, इसीलिए आया हूँ। तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं, इसलिए तुम्हें निकाल दिया गया। यूं ही फेंक देने या निकालने के लिए कोई भाई का दर्जा नहीं, वर्कर का पोस्ट है। लेबर लॉ के मुताबिक 15 साल से जो कोई एक ही कंपनी में काम करता आया उसे बर्खास्त करने का हक किसी मालिक को नहीं, जब तक वो कोई गलती ना करे, और मैंने कोई गलती नहीं की। ओ, यानी गलती किए तक तुम यहीं रहोगे? गलती करने के लिए मैं तुम्हारे जैसा गलत इंसान नहीं हूँ। अगर गलती की तो जान दे सकता हूँ और ले भी सा। तुम्हारी एमडी की पोस्ट तो गई, अब क्या करोगे? हाँ कोई भी काम करूंगा। पियून की नौकरी है, करोगे? कॉफी लानी पड़ेगी, लाओगे? चाय लानी पड़ेगी, लाओगे? खाना सर्व करना होगा, करोगे? मैं कुछ भी करूंगा। एस्ट्रे लेके आओ। छोटे सेठ एस्ट्रे लाने को कह रहे हैं, सुना नहीं? जा। ए, चला ना। नहीं रे, भाई देख रहे हैं। अच्छा क्या भैया? भैया मेरे ऊपर जो गुस्सा है उससे अपने हेल्थ मत बिगाड़ो। ये क्या सर, आप एक प्यून, आप चाहें तो किसी बंद कंपनी को लीज पर लेकर उसे नंबर 1 कंपनी बना सकते हैं। एक बंद कंपनी को कामयाब बनाने के बजाय मेरे बिगड़े भाइयों को सुधारना मेरा लक्ष्य है।
कितने सालों से हम उससे डरते रहे, घूमने फिरने का डर, जरा सी शराब क्या पीली लातों से मारता था हमें। अब उसके खौफ से आजादी मिली है अंकल, उसे फैक्ट्री से भी निकालो। निकाल दूंगा। ओ पापा, खामोशी में है धर्मराज, वक्त आने पर यमराज सारे खलास। क्या कर लेगा स्वाति? याद है एक बार हम ऑफिस गए थे तो उसने क्या कहा था कि अपॉइंटमेंट के बिना अंदर मत आना। अब उसी ऑफिस में मैं जब घंटी बजाऊं तो जानती हो वही चाय कॉफी लेकर अंदर आता है। कौन है वो? मेरा बाप? नहीं, इसका नाथ भाई। माँ ये क्या? माँ भैया को बाहर निकाल देने के बाद भी भैया भाई भाई करके फिर भी उनके पीछे क्यों पड़े हैं? क्यों, उनके बगैर वो लोग जी नहीं सकते, ये बिजनेस नहीं चला सकते? तू तो सब जानती है रे, वो तो पागल है, उसे तो बस दूसरों का दर्द बांटना और रिश्तों को निभाना आता है, तुम लोगों की तरह तोड़ना नहीं आता। आपकी कृपा से बच्चे पढ़ लिख गए हैं सर, देखिए तो सर। पहले जो प्यार किया करते थे अब वही लोग बड़े पैसे वाले बन गए हैं सर। ये घर नहीं जहां तुम खाना परोसो, उसके लिए एक प्यून रखा हुआ है। यारे जानता नहीं टिफिन बॉक्स अंदर लाया जाता है, चल खाना परोस। सॉरी। कैसे उठना है कैसे बैठना है सब रूल्स मालूम है ना तुझे? एक प्यून कैसे बनते हैं जाके सीख, गेट लॉस्ट। जाने कहां कहां से आ जाते हैं ये लोग। लगता है वो यहां से जाने वाला नहीं। चार दीवारों के बीच किया अपमान शायद काफी नहीं, उसका अपमान सबके सामने करेंगे। आप मशीन्स बंद करवाइए, मैं बताऊंगी कैसे। बेशरम, इतने अपमान के बाद भी तुम यहाँ से टलना नहीं चाहते? अपनों के बीच मान और अपमान कैसा? ओहो, अपमान क्या होता है वो मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरे चाचा को मार। ओ शट अप, एक और लफ्ज कहा तो तुझे भी मारूंगी। हे स्वाति, ये गलत है। मैं गलत हूँ भैया? जिस वक्त इसने तुम्हारा कॉलर पकड़ा था तभी मुझे मारना चाहिए था। इस फैक्ट्री में तुम्हें सब देवता मानते हैं, ऑफिस पियन जब बने तभी मारना था, देर करके गलती की। ए, अगर चार दीवारी के बीच तुझे मारती तो कुत्ते जैसा धूल झटक देता, इसीलिए सबके सामने मारा। मेरा भाई अपने जज्बात को मारकर बेइज्जती सहकर खामोश है तो सिर्फ हमारे लिए, हमारे पिता के वचन के लिए, नहीं तो वो तुझको कब का मार चुका होता। और तुम दोनों कल परसों तक भैया को देखकर पैंट में पेशाब कर देते थे, और आज अधिकार क्या मिल गया तो भैया की बेइज्जती करने लगे। दौलत के लिए राम को छोड़कर रावण पर भरोसा कर बैठे। देखना एक दिन ये तुम लोगों को जिंदा चबा जाएगा, ये याद रखना। ऐसे नीच लोगों के साथ मैं एक पल भी नहीं रह सकती भैया, अब मैं आपके पास ही रहूंगी, मुझे अपने साथ ले चलिए भैया। सुनो बेना, अपने पति को इस तरह छोड़ देना ठीक नहीं। वो और पति? छी, जो भार उठाए वो पति कहलाता है, जो बोझ बन जाए वो पति नहीं होता। जिस दिन उन्हें तुम्हारी कदर होगी उसी दिन मैं उस घर में कदम रखूंगी। नहीं भैया, मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे अपने साथ ले चलो भैया। ओ तो ये पागलपन कब से हुआ? जब से मैं उनकी पीए बनी हूँ। ये बोले तो प्रेम की आग। बाय बाय। ओ ये ओ ये ओ ये ओ ये ओ ये।
She's waiting. चांद जैसी महबूबा आके तू मुझको गले से लगा ओ मेरे सोने साजना रहना है बाहों में तेरी सदा आंखों में तेरी ऐसे जादू चलाए चोरी चोरी तूने मेरे होश उड़ाए चांद जैसी महबूबा आके तू मुझको गले से लगा ओ मेरे सोने साजना रहना है बाहों में तेरी सदा सेई सेई सच्य भामा यो असस शकलक शकलक आलक भामा ये चुकिला तेरे इश्क में चूर हूँ ओ महबूबा तू एक पल ना हो ना जुदा आँखों में है हर पल तू ही सनम चाहूंगी मैं लाखों जन्म मैं तेरा हूँ दीवाना तू शम्मा मैं परवाना मैं तेरा हूँ मस्ताना ओ माय डार्लिंग आई लव यू ओ मेरे सोने साजना चांद जैसी महबूबा आके तू मुझको गले से लगा चांद की जानम पहली किरण जन्मों का है अपना ये मिलन तेरा साथ है तू सजन है हर खुशी बिन तेरे है सूनी जिंदगी तू मेरी है मैं तेरा दिल पे है तेरा पहरा फूलों सा तेरा चेहरा ओ माय डार्लिंग आई लव यू ओ मेरे सोने साजना चमके जैसे बिजुरिया कांच की नाजुक सी है तू एक गुजरिया तेरी मेरी जोड़ी ऐसी जैसे हीर राजा वो चांद जैसी महबूबा आके तू मुझको गले से लगा वो चांद जैसी महबूबा आके तू मुझको गले से लगा तुमको काली घाट पर इतनी सारी जमीनें खरीदने की जरूरत क्यों पड़ी 5 करोड़ ये जो 5 करोड़ दे रहा है तो बेचते क्यों नहीं मेरी जमीन उसे खरीदनी है तो वो मुझसे बोले तुम कौन हो हमारे बीच में बोलने वाले पुलिस हो या जज आखिर एक गुंडे हो ना तुम्हारी LIC पॉलिसी है क्या नहीं ए, इसकी पॉलिसी निकाल इसकी फैमिली के काम आएगी जो आदमी सिर्फ बकवास करता है वो अपनी जिंदगी के बारे में ज्यादा सतर्क नहीं रहता जैसे कि तुम बिस्वा इस लाश को गंगा में फेंक दो सेटलमेंट हो चुका है क्यों रे वो मिला क्या नहीं नहीं मिला बॉस तूने ना तो कह दिया
पर तेरी इस नाश से मेरा पैसा नहीं, मेरी इज्जत गई। उसकी मौत ही मेरी जिंदगी का मकसद है। जब तक वो नहीं मरेगा तब तक मेरे जीने का कोई मतलब नहीं। उसे ढूंढ निकालो, ढूंढ निकालो। हाय लोकेश। हेलो सर। कैसे हो? ठीक हूँ सर। तुमने अपने पिता की ख्वाहिश को पूरा कर दिया। कम ऑन, मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट पेशेंट से मिलवाता हूँ। ओके सर। हर पेशेंट का ख्याल रखना चाहिए। देखो डॉक्टर लोकेश, पेशेंट का नाम नंदिनी है, कई महीनों से कोमा में है। हमारी बातें तो ये समझ लेती है लेकिन रिएक्ट नहीं कर पाती। इस पेशेंट के मामले में आपको बड़े ध्यान से काम करना होगा। ये क्या सर, गार्डियन का नाम लक्ष्मी नरसिम्हा लिखा है। हाँ, लक्ष्मी इंडस्ट्रीज का MD, वही इसका केयरटेकर है। उनके और इसके बीच क्या संबंध है? एक डॉक्टर के लिए जानना जरूरी नहीं, इसलिए मैंने नहीं पूछा। इसको कहीं देखा है? नहीं देखा। देखा तो इस नंबर पे फोन करना। कितना कलेक्ट करोगे? ये क्रेडिट कार्ड नहीं है, ये विजिटिंग कार्ड है। क्यों लोकेश, यहां कैसे? मैं आपसे एक बात पूछने आया हूं। किस बारे में? नंदिनी के बारे में। अब तक मैं जानता था कि आपकी सिर्फ एक ही बहन है, तो अभी नंदिनी कौन है सर? राम मोहन राय के असली बेटे ना होने के कारण आपने हमारी शादी रुकवा दी ताकि उनके पैसे ना खर्चूं। लेकिन उस पेशेंट नंदिनी के साथ आपका ऐसा क्या रिश्ता है सर जो आपने उस पर लाखों रुपए खर्च कर डाले? लेकिन चंदा, मंगलसूत्र से बढ़कर तुमने अपने भाई की इज्जत का मान रखा और तुम्हारी शादी के खर्चे को लेकर बहुत चिंता थी तुम्हारे भाई को। लेकिन उस लड़की नंदिनी के ट्रीटमेंट पर बजट का ध्यान क्यों नहीं दिया तुम्हारे पूजनीय भाई ने? जरा पूछो इनसे, जवाब दो लक्ष्मी नरसिम्हा जी। इतने दिनों तक आपने जिस इंसान को छुपाए रखा उसके साथ आपके क्या संबंध है, बताइए? बताता हूँ। तुमने पूछा इसलिए नहीं बल्कि मेरी बहन ने मुझे गलत ना समझे इसलिए। वो कोलकाता से है। गॉड, ट्राम मेरी कॉलेज तक नहीं जा रही। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। सुनिए सुनिए, मुझे एग्जाम पर जाना है, क्या आप मुझे मेरे कॉलेज तक छोड़ देंगे? बड़ी मेहरबानी होगी, प्लीज। दिखाओ दिखाओ लाइसेंस, दिखाओ। रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? लाइसेंस निकालो। रूम में है सर। सिबू कहाँ है? रूम में है सर। 500 रुपया फाइन दो। वो भी रूम में है सर। जब सब कुछ रूम में छोड़ आए फिर ये चश्मा जींस और मोटरसाइकिल लाने की क्या जरूरत थी? आप पुलिस की तरह क्यों चिढ़ रही हैं? जब 500 रुपीज भी जेब में नहीं थे तो मुझे लिफ्ट क्यों दी? लिफ्ट देने के लिए जेब में पैसे नहीं, गाड़ी में पेट्रोल चाहिए। अरे बाबा, मुझे लेट हो रहा है। हेलो मैडम, अगर झगड़ा करना है तो घर पे जाके कीजिए, पहले 500 रुपीज फाइन दीजिए। दे दो। ये ले लो। मेरा बैड लक तुम्हारी बाइक पर लिफ्ट ली, टैक्सी ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए लेती, 500 का लॉस हो गया। बड़े हसीन तेवर है। ठीक से बैठो, पहले नंबर लिखो। तुम्हारा हॉल टिकट कहाँ है? मैम, ओह माय बैग, ओह माय गॉड, कहाँ गया मेरा बैग? मेरा हॉल टिकट उसी में था। ओ मामा। अगर टैक्सी में 50 रुपए में आई होती तो तुम्हारा बैग लौटाने कोई नहीं आता। थैंक्स। बस में चढ़ते वक्त टिकट और एग्जाम हॉल में हॉल टिकट कभी भूलना नहीं चाहिए। अब जाइए लिखिए, मैं जानता हूँ आप जमा के लिखेंगे। एंड ओके ओके। okay.
मम्मा। ओ मम्मा। हाँ बता, एग्जाम कैसा रहा तेरा? एग्जाम तो बहुत अच्छा था, लेकिन आज बसेस की स्ट्राइक थी। एग्जाम की टेंशन में मैं खड़ी थी तो एक आदमी ने मुझे लिफ्ट दी। वो 6 फुट लंबा था और साथ में बड़ा हैंडसम भी। लेकिन जब पुलिस ने उसे रोका तब मुझे पता चला कि वो बिल्कुल कड़का था। ना तो उसके पास 10 रुपए थे, ना गाड़ी के पेपर्स थे, ना लाइसेंस था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मोटरसाइकिल भी चोरी की थी? आप कौन है? हाँ? ये मेरी ही तारीफ हो रही थी। ये डायरेक्ट ही आप मेरे घर पर कैसे आ गए? क्या? क्या कहा आपने? मैं चोर हूँ, मैंने गाड़ी चुराया। लड़की समझ के आपको लिफ्ट दिया, गलत किया। आंटी एक कप कॉफी। ठीक है लाती। मैं थोड़ी देर और रुका तो सारे कोलकाता में मुझे मशहूर कर दोगे। मालूम है मुझे, बहुत खतरनाक हो तुम। है ए, मैंने ऐसा क्या गलत कहा? बीच में मैंने हैंडसम भी तो कहा था, वो सुनाई नहीं दिया क्या? ऐसा क्या? ओह थैंक्स। ये रहे तुम्हारे 500, ध्यान से देख लो वरना पीठ पीछे चोर कहोगे। तुम्हारी जबान से डर लगता है। हाय राम, आप यहाँ हो गए? ऐसा हमें सपना थोड़ी आया था। हम औरतें हैं, जनरली कुछ भी बोलती हैं, सब थोड़ी सुनना चाहिए। इसके लिए यहाँ आने की क्या जरूरत? गली के नुक्कड़ तक तुम्हारी आवाज पहुँचती है। तुम्हें फिल्मों की बातें करनी चाहिए, साड़ियों की बातें करनी चाहिए, मेरी बातें करने की क्या जरूरत है? ये लो बेटा। रहने दीजिए, मेरे जाने के बाद आपसे झगड़ा करेगी, इसका मुंह तोते की तरह है। अभी बच्ची है, उसकी बात का बुरा मत मानो। ये ऐसा है क्या? चलेगा, ओके। कब अच्छा है आपकी बेटी की तरह? कॉफी तो बहुत अच्छी थी आपकी बेटी की। पता नहीं क्यों इस लड़के को देख के मुझे एक अपनेपन का एहसास हो रहा है। तुम्हें तो जो भी मिलता है वो बस तुम्हें अपना ही लगता है। अगर वो सचमुच चोर निकला तो? चुप कर, उसने सुन लिया तो? कुछ नहीं होता, उसे जाके जमाना हुआ। मैं कहीं नहीं गया, यही हूँ। कहा था ना मैंने, मेरे जाते ही आपसे लड़ेगी। मेरे बारे में इतना जो डिस्कशन चल रहा है, जरूर कोई बात होगी। ओके, अब मैं चलता हूँ। लगता है उसी का फोन है। हेलो नंदिनी। नंदिनी ये सब क्या है? क्या है ये सब? बार बार हमारे घर पर फोन क्यों करते हो? देखो बेटा, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। हमारा दुनिया में और कोई नहीं है। नंदिनी। क्या रे, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा बेटा जेल में पड़ा है? हाँ बॉस, नंदिनी नाम की एक लड़की है। नो! उसी लड़की की खातिर उसने कत्ल कर दिया। नो! इसी ने तुम्हें देखा था ना? जानता है नंदिनी कौन है? नंदिनी मेरी है, अगर किसी ने इसे देखा तो काट डालूंगा। नंदिनी, अगर कोई तुम्हारी तरफ देखे तो मुझे बताना, मैं उसे काट डालूंगा। नंदिनी को देखेगा तू? कौन है वो लड़की? उसका कोई खास बैकग्राउंड नहीं बॉस, कॉलेज में पढ़ती है बस। मेरे दुबई वापस जाने से पहले मेरा बेटा मेरे पास होना चाहिए। हाँ भाई, सब ठीक है ना? पेपर ठीक से लिखना, लिखो। मैम। गुड मॉर्निंग मैडम। How are you? अपनी बच्ची है, कोई डाउट हो तो हेल्प कर दीजिए। ये है कौन? मैम, उसने परसों मुझे लिफ्ट दी थी और तभी से वो मेरे पीछे पड़ गया है। मैम यू कूल डाउन, मेरा ब्रदर आएगा ना तो इसे मार मार के ठीक कर देगा। सत्तार। ब्रदर, मैं हूँ कालिका। एक आदमी कॉलेज में आके मेरे स्टूडेंट को बहुत तंग कर रहा है, आपको आना होगा। हाँ,
मैं आ रहा हूँ, मुझे थोड़ी देर लगेगी, उसको रोके रखियो। मैं रिक्शे से जो आ रहा हूँ। ओके। कौन है मैं? यहाँ क्या कर रही है? बस हवा खा। ओकट में हवा खानी तो हावड़ा ब्रिज पे जाके बैठो, और नहीं तो विक्टोरिया मेल के सामने बैठो। तेरा कॉलेज में क्या काम रे? वो आपकी तारीफ खा। सचिन के साथ क्रिकेट और सत्तर के साथ पंगा, दोनों डेंजर का काम है मियाँ। सत्तर हल्की मार नहीं, मौत की मार मारता रे। सत्तर से भिड़ेगा तो तुम मारा जाएगा। ये सत्तर कौन है खा? अरे टपोरी, रिक्शे में हम लोग आए तो क्या, सत्तर यही छे। अच्छा आप? मेरी आंखें बंद करके खोलने तक तू दफा हो जाए यहाँ से, निकल जाए यहाँ से। भाई वो भी तो क्या नहीं टिका हुआ है। ठीक है मियाँ, यहाँ से निकल जाओ। पहले बता देती कि ऐसे खतरनाक रिक्शा सवारों से आपकी दोस्ती है, मैं बहुत डर गया था, कहीं पेट में चाकू आकू ना मार दे। मैं चलता हूँ, नमस्कार। तुम्हारी खूबसूरत आंखों को नमस्कार, तुम्हारे खूबसूरत होंठों को नमस्कार, तुम्हारे हुस्न और जमाल को बड़ा सा नमस्कार। चलता हूँ। माय ब्रदर, मेरे को बहुत चर्बी चढ़ गई। दंड पहनेंगे तो ठीक हो जाएंगे, थोड़ी कसरत करनी पड़ेगी। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सर। देखो बेटा, अब वो तुम्हारे पास फटकेगा नहीं, दोबारा आया तो मेरे को फोन कर देना। ठीक है। सिस्टर को डिस्टर्ब मत कर। ठीक है जी। मेरा फोन नंबर फिट कर लो। अबे किधर जा रहा है? सत्तार खां, सत्तार खां घर पे? हाँ है, जा जा ऊपर जा। आदाब खां। क्यों मियां यहाँ घर पे क्यों आए? वो आपसे एक पर्सनल काम था, जरा साइड में आएंगे? सत्तार साइड में नहीं आता मियां, वो स्ट्रेट बोलता है। हमारे घर की औरतें हर बात में बोलती हैं। मैं अंदर जाके कॉफी ले आऊं? नहीं यहीं रुको, देखो मेरी दादागिरी और सेटलमेंट। चल बोल। एक हफ्ता हो गया जिम गए हुए, एक्सरसाइज तो दबा के करनी चाहिए। मुझे टेढ़ा क्यों दिखना है? ये असली बॉडी है क्या? इतनी सॉलिड बॉडी फिर भी डर गए? आपने मुझे डरा जो दिया। अरे शुरू, पता नहीं मेरे सारे आदमी कहाँ मर गए। संडे है ना, अकलमंद शायद सिनेमा। ए, अगर मैं उसे लाइन मारूं या गले लगाऊं तुझे क्या? वो तेरी बड़ी बहन है, छोटी बहन है, बता ना। हाँ? तेरे को प्रॉब्लम है? तेरी क्या लगती है वो? तू अंदर जा। मैं नहीं जाऊंगी, देखूंगी। ओ देखो मियाँ, मैं घर पे सिर्फ पूजा पाठ करता हूँ, मर्डर नहीं करता हूँ, तुम बाहर जाओ। अच्छा, मैं कॉलेज आऊंगा ना कल, वही डिटेल में बात करेंगे। अगर मैंने तुझे वहां मारा तो वो मुझे गुंडा समझेगी, यही दौड़ा लेता हूँ। फिर कभी वहां नजर आएगा? इतना होने के बाद कोई आएगा क्या? अब मैं अंदर जाऊं? पर भी आदम का। हेलो। हेलो अंकल, मैं नंदिनी। बोलो बेटा। वो फिर से मेरा पीछा कर रहा है, मदर मेमोरियल पर भी अटपका है। वो आ सकता है, मैं नहीं। क्या हो गया अंकल? वो तो बॉडी बिल्डर निकला, ये तो मेरे को पता ही नहीं था, मैं कुछ ज्यादा बोल गया उससे। वो जैसा बोलता ना वैसा करो और मेरा नंबर मोबाइल से उड़ा दो। बहन जी, टेरेसा ट्रस्ट वाले मेरे बेटे को आंखें डोनेट करने वाले हैं, पर ऑपरेशन के लिए 50,000 चाहिए, आप हमारी मदद कीजिए ना। 50,000 रुपए? इतने सारे पैसे मैं तो नहीं दे सकती। बिल्कुल दे सकती है। दिन दुखियों के कारण ही मदर टेरेसा कोलकाता आई थी। अनाथ और बेसहारा लोगों की मदद करने में ही सच्चा आनंद है। जब कोई आपके सामने हाथ फैलाए इनकार मत करना, देने में ही ह्यूमैनिटी है। भाइयों और बहनों,
टेरेसा की वर्षगांठ पर मिठाई बांटना और डेथ एनिवर्सरी पर माला चढ़ाना तो ठीक है, लेकिन उनके इंसानियत और भलाई को सीखना चाहिए। ये लड़का देख नहीं सकता, पर अगर हम सब ने मिलकर इसकी मदद की तो शायद ये देख पाए। ये मेरी तरफ से 5,000 रुपए डोनेशन। बहुत बहुत मेहरबानी बाबू, बहुत मेहरबानी। मम्मा मम्मा। हाँ, आज इतनी लेट क्यों हो गई? तेरा नाश्ता मैंने वहाँ रखा है, जाके खा ले। हाँ खा लूंगी माँ, लेकिन मेरी बात तो सुनो। उस दिन मैंने जिसे गुंडा कहा था, हाँ, वो गुंडा नहीं, वो तो भला आदमी निकला। कौन रे? अरे वही आदमी माँ, जिसने मुझे लिफ्ट दी थी और जिसने आपकी कॉफी पर कहा था कि मैं आपकी कॉफी की तरह अच्छी हूँ। वो मुंबई वाला? हाँ। क्या फिर पैसे मांगे? पैसे दिए माँ, और दूसरों से भी दिलवाए। एक अंधे लड़के के इलाज के लिए, यूनिटी के ऊपर, ह्यूमैनिटी के ऊपर कितना अच्छा लेक्चर दिया उसने। खामखा मैं उसे गलत समझ रही थी माँ। मैं ना कहती थी वो एक अच्छा इंसान है? इस गंगा नदी के तट पर गंदे इंसान भी आते हैं और पूजा पाठ करने वाले भी तो आते हैं। ये बात अपने अपने नजरिए पर है। हाँ माँ, कल तक उसे देखकर मुझे गुस्सा आता था, लेकिन अब ये जी करता है कि उसे अपने इन हाथों से बनाकर कॉफी पिलाऊं। और पता है माँ, सो स्वीट। बेटा, क्या बेटा, ये सब एक लड़की की खातिर? ठीक है, मैं दुबई जा रहा हूं। मैंने यहां सारा बंदोबस्त कर दिया है, एक हफ्ते में ही तू आजाद हो जाएगा। बाहर आने के बाद शांत रहना, उस लड़की को मत छेड़ना। मैं लौटकर सब इंतजाम कर दूंगा, ठीक है? हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरा बर्थडे आज नहीं है। मैं तुम्हारे लिए नहीं आया। तो फिर? हैप्पी बर्थडे आंटी। मेरा बर्थडे तुम्हें कैसे मालूम? राममोहन राय ने बताया। राममोहन? मेरा भाई? हाँ। लेकिन तुम कौन? उनका बेटा, उनका गोद लिया बेटा। मेरे भाई का बेटा? तू मेरे भाई का बेटा है? बरसों हो गए मुझे अपने भैया को देखे। नंदू, मैं कहती थी ना, इसे देखकर मुझे लगता है जैसे ये कोई अपना है। ऐसा क्यों आंटी? जब आपको उनसे इतना प्यार, तो उनसे दूर क्यों चली गई? मैं उनसे दूर नहीं गई थी, उन्होंने ही मुझे अपने से दूर कर दिया था। हम दोनों ने प्रेम विवाह किया। जब हम आशीर्वाद लेने भैया के पास गए, तब सबके सामने भैया ने मेरे पति पर हाथ उठाया। एक औरत बड़े से बड़ा अपमान सह लेती है, लेकिन जब बात अपने पति की आती है तो वो उसे नहीं सहती है। जब तक इंसान जिंदा है तब तक अदावत है, उसके जाने के बाद कैसे नफरत? यानी? हाँ आंटी जी, वो अब नहीं रहा। उनके बाद उनके जो रिश्ते बाकी थे वो नहीं चाहते थे वो खत्म हो जाए। आप उसी घर में फिर से लौट आए, यही उनकी आखिरी ख्वाहिश थी। नंदिनी, अगर तुम चाहो तो जो रिश्ता आंटी की वजह से टूटा है वो हमारी शादी से दोबारा जुड़ सकता है। वहां नहीं जाऊंगी जहां मेरे पिता का अपमान हुआ है। ये क्या? तुम चुप रहो माँ, मैं पसंद हूँ और हम तकलीफ में भी हैं, तो हमदर्दी की जरूरत नहीं है। आप जा सकते हैं। मैं जा रहा हूँ, पर एक बात याद रखना तुम, मैं तुमसे मिलने और अपने साथ वापस ले जाने कोलकाता आया था। तुम कहती हो तो मैं जाता हूँ, मगर ये मत समझना मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। नंदिनी, तुम भी मुझे पसंद करती हो, तुम मुझे भुला नहीं पाओगी। इतने सालों से हम लावारिसों की तरह जी रहे थे,
हमारी खबर लेने वाला भी कोई नहीं था। आज एक अपना मिला है तो उसे दूर करना ठीक नहीं है। ना, इसलिए नहीं कि वो मुझे पसंद नहीं, बल्कि इसलिए कि वो मुझे पसंद है। ऐसा क्यों? एक लड़के ने मुझे क्या देख लिया तो भाईजी ने उसे मार डाला। अगर उसे पता चलेगा कि मैं उससे शादी कर रही हूँ तो क्या वो उसे जिंदा छोड़ेगा? कौन है वो? तुम्हें कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मेरी होने वाली दुल्हन।
नंदू जवाई राजा आते ही होंगे, जल्दी पैकिंग कर ले। अपने मैके लौटते हुए तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है? मेरा तो मायका है, पर तेरा तो ससुराल है ना, जल्दी कर। नंदनी 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 सुनो सुनो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, उसे छोड़ दो, क्यों परेशान करते हो उसे? तूने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया है, जब लड़की खूबसूरत है तो ऐसे प्रॉब्लम हो गई। सबका अपना एक जुनून है, मुझे तेरी बेटी का है। नंदनी तू इंसान है कि शैतान या पागल है? इज्जत से कहती हूँ निकल जाए यहाँ से। नंदनी तेरी माँ मर गई। नंदिनी नंदिनी आंटी जी आंटी जी आंटी जी, ये क्या हुआ? नंदु को नंदनी रुक जाओ नंदनी 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 रुको नंदनी 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 दरवाजा खोलो नंदनी ये क्या है नंदनी बाहर आओ नंदनी अरे तुम्हें दुल्हन बनना है हम दोनों को शादी करनी है बाहर आओ नंदनी महाराव नंदिनी, सब लड़कियां ऐसी होती हैं, जो उन्हें चाहता है उसे प्यार नहीं करती, खुद रोती हैं और हमें भी रुलाती हैं। आओ प्लीज, तैयार हो जाओ, हमें शादी करनी है।
नंदिनी पे तलवार चलाएगा। चलो यहाँ से बाहर चलो। किस लिए डरती हो? आज से इसे मुझे देख के डरना होगा और ये डरेगा। नंदिनी अगर फिर से होश में आ जाती तो मैं उसे राम मोहन राय की भांजी कहकर सबसे मिलवाता, मगर यह हो न सका। मैंने जो कुछ भी किया इस परिवार की भलाई के लिए और आगे भी करता रहूंगा, चाहे दुनिया इस मामले को लेकर कुछ भी समझे, मुझे परवाह नहीं। सॉरी सर, आज तक मैं अपने पिता की इजाजत के बिना ही चंदा से शादी करना चाहता था, लेकिन अब मैं उनसे हाँ करा के रहूंगा। शैलू, आप मशीन को आवाज से और आदमी को आंखों से पहचान लेते हैं। मैं झूठ नहीं कहूंगी कि आपसे प्यार नहीं किया। अब से रिश्ते बेकार नहीं जाएंगे। मैं कल ही यहां कह दूंगी। क्या लक्ष्मी नरसिम्हा तुम ही हो? यस सर। मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूं। किस लिए? तुमने इस कंपनी के 10 लाख चुराए, इसलिए तुम पर केस किया गया है। मैंने कंपनी के 10 लाख रुपए चुराए? तुमने चुराया है। यशोदा हॉस्पिटल के बिल जो तुमने भरे हैं लक्ष्मी नरसिम्हा, ये मैंने पर्सनल यूज के लिए नहीं लिए थे। समझने की कोशिश करो। ये तुम मत बोलो। इसी फैक्ट्री से तुमने मुझे एक दिन हथकड़िया लगवा के निकलवाया था, उसी एहसान का बदला मैं चुका रहा हूँ। पूरे 10 लाख रुपए बनो और यहाँ से चलते बनो, वरना तुम्हें अरेस्ट किया जाएगा। पत्ता मत फेंक, जीत जाएगा। ए भाई, क्या है? पुलिस आई है, कहती है मैंने पैसे चुराए। क्या मैं पैसे चुरा सकता हूँ? मालिक को पूछे बिना पैसे लेना चोरी है। ऐसा नहीं है भाई, मैंने वो पैसे अपने लिए नहीं लिए। मैंने अपनी तनख्वाह के अलावा कभी कुछ नहीं लिया। अपने गरीबी परिवार वाले की बेटी अस्पताल में है, उसके इलाज पर पैसा खर्च हुआ है। हाँ? सारे आना क्या हमारे सगे वाले हैं? ऐसा मत कहो। सर, इनके आगे हाथ मत फैलाइए। आपके हाथ मांगने के लिए नहीं, रक्षा के लिए है। मेरे साथ आइए। आइए सर। डालो, अरे डालना, जल्दी डालो।
हमारे लक्ष्मी बाबू को तुम अरेस्ट करवाना चाहते थे ना, आज तुम्हें पता चलेगा वक्त आ गया है कि हमारी यूनियन क्या है। डन। डालो, ये लो, अगर कम पड़ जाए ना तो हमारी पगारों में से काट लेना। अगर लक्ष्मी बाबू के हाथों में हथकड़ियां पड़ गई तो यहां किसी का भी हाथ बाकी नहीं रहेगा। बाबू बाबू, चाहे आपके अपने आप को क्यों ना छोड़ दें, लेकिन हम मजदूर आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। शिट, ओ यहां से किसी भी हाल में नहीं जाने वाला। क्यों अंकल, इसने अस्पताल में इतना पैसा किस पर खर्च किया होगा? इतना पैसा खर्च करके किसी पेशेंट को जिंदा रखने का मतलब क्या हुआ? शायद इसका यही हल है। पापा, मेरा एक सवाल है, जरा उसका जवाब दोगे? अब वो क्या है? क्या तुमसे ज्यादा जलील इस जमीन पर और भी कोई है? शर्ट छोड़ो, भाभी ने तुम्हें चप्पल से मारा था, मैं तुम्हें जूता निकाल के मारूंगा। ए, बड़ों से बात करने की तुम्हें तमीज नहीं? अच्छा, मैं तो समझा इससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, लेकिन तुम तो इससे भी बड़े बेवकूफ निकले। तुम लोगों ने अपने भाई के बारे में क्या क्या सोच रखा है? अगर इसके जैसा एक भी लायक बेटा हर घर में हो तो इसकी तरह लुच्चा, तेरी तरह लफंगा इस देश में एक भी नहीं बचेगा। आपने उसे छीछी कहा, फिर भी उसने आपको और आपकी फैक्ट्री को नहीं छोड़ा, फिर भी वो यही जमा हुआ है। नहीं तो ये लुच्चा लफंगा कब की ये कंपनी बेच बाज के तुम्हारी कमीज और पतलून उतार के तुम्हें सड़क पर भीख मांगने के लिए अल्लाह के नाम पे दे दे नंगा छोड़ देता कुत्ते की तरह। ए, मर्यादा मेरे। मर्यादा? मैंने उसका मुंह देख के अब तक तुम्हारी इज्जत की, और आज उसकी बेइज्जती करके तुम इज्जत चाहते हो? अरे भाई, इन लोगों ने तो अपने भाई का सर नीचा किया है, लेकिन मैं तेरा सर ऊंचा करवाऊंगा। एक देवी जैसी भाभी को छोड़कर तू कितना दुखी है ये मैं जानता हूँ, उसे छोड़कर तू इनके साथ में क्यों रहता है? चल उसके पास चल, गलती करके उसी के बारे में सोचोगे तो गलती सुधरेगी नहीं। घबराओ नहीं, वो तुम्हें माफ कर देगी। कम ऑन, फॉलो मी। यहाँ तुम चार लोग उसके खिलाफ हो तो वहाँ 4,000 मजदूर उसके साथ हैं। याद रहे, उसका नाम है लक्ष्मी नरसिम्हा, तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते, तुम उसकी चुटकी बराबर हो। लेट्स गो। सारे के सारे नामाकूल, जब पैसों की जरूरत पड़ेगी तो खुद आएंगे। जानदब, कहाँ है ये यशोदा हॉस्पिटल? गुड, आज तक मैं ऐसे इंसान से कभी नहीं मिला जो किसी मरीज का इतना ख्याल रखे। इसे कहां देखा है? कहां देखा है? कहां देखा है? जल्दी से जाकर मेरे बेटे को दूल्हा बनाओ। बेटा, बेटा, तेरी नंदनी मिल गई। हाँ बेटा। नंदनी मिल गई? हाँ मिल गई। जिसने तेरी ये हालत की है, अब अगर उसने तुम्हारे बीच आने की कोशिश की तो मैं उसे मार डालूंगा और फिर तेरी शादी करवाऊंगा। हाँ। कहाँ जा रही हो माँ? अपने बेटे के घर। उस कमीने लक्ष्मी के पास? तुम उसे अपना भाई मत मानो, लेकिन वो तो मेरा बेटा है। मैंने एक बार उसकी बहन को दूध क्या पिलाया, उसने तो हमारे खानदान को सड़क पर आने से बचा लिया। वही मेरा असली बेटा है। सुनो, मैं तुम लोगों को एक हफ्ते का टाइम दे रही हूँ, जाकर इज्जत से उससे माफी मांगो और अपने साथ घर वापस लेकर आओ, नहीं तो मैं अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दूंगी। ए जनार्दन, तूने हमारे सुखी संसार में पांव रखकर अपनों को तीतर बीतर कर दिया है। तुझे मिटाने के लिए अगर मैं अपने बड़े बेटे को आवाज दूं, तो वो तुम्हारा नामो निशान मिटा देगा, ये याद रख। सुना अंकल, माँ सारी दौलत उसके नाम लिखने को कह रही है। ये तभी मुमकिन है अगर वो जिंदा रहा। हम सबको मार डालेंगे। ये
भाभी मुझे भी थोड़ी मेहंदी लगा दो। मेहंदी तो लड़कियां लगवाती हैं, तुम्हें क्यों लगवानी है? हाँ, पहले लड़कियां कानों में बालियां डालती थी, अब लड़के डालते हैं। पहले लड़कियां लंबे बाल रखती थी, अब लड़के भी रखते हैं। अब क्या करें भाई, आजकल का फैशन बन गया है। इनके फलसफे यही जाने। आवाज दे रहे थे? हाँ मैं, हा? वो मैं हूँ। क्यों? जोर से, और जोर से चिल्लाइए, आवाज दीजिए। नंदने, चिल्लाइए, आवाज नंदने, नंदनी, नंदनी, जोर से आवाज दीजिए। नंदनी, कितने दिनों से होश में नहीं आ रही थी, आपकी आवाज सुनते ही होश में आ गई। या तो आपसे प्यार करती है या डरती है। डरती है, डरती है। तू ही है वो जिसे देखकर मेरा बेटा डरता है, तो तूने ही उसे मारा है। हाँ? मेरे पास ऐसी क्या शक्ति है रे, जो यहाँ का रहने वाला होकर भी कोलकाता में जाकर तूने मेरे बेटे को मारा। वैसे वो देखने में तो ऊपर से सॉफ्ट लगता है, लेकिन इसकी मार से तो तू मारा जाए। मैंने कहा था ना, इसे जोर और ताकत से नहीं, सेंटीमेंट से मारना चाहिए। हमें सिर्फ दौलत चाहिए, भाई भाई नहीं। तुम हमारे लिए कुछ भी कर सकते हो ना, तो जाओ मरो। अब इसे दूसरा सेंटीमेंट का खेल दिखा दो। लक्ष्मी, रजिस्ट्रार, मेरे बेटे की शादी के सर्टिफिकेट पर दस्तखत इसके खून से होना चाहिए। ए, जानता है मुझे कितना दर्द हुआ था जब तूने मेरे बेटे को मारा था? मालूम है तुझे? नहीं मालूम, नहीं मालूम ना, मैं तुझे बताता हूँ। कैसी तकलीफ हुई, ऐसी तकलीफ मुझे भी हुई थी। अंकल, ये क्या हो रहा है? आपने जो कहा वही तो किया, अब हमें क्यों मारा जा रहा है? तुम्हें भाई के बदले दौलत चाहिए थी ना,
तो मुझे भी तुम दोनों के बदले दौलत चाहिए थी, तो क्या बुरा किया? मैंने कहा था ना, मैं सबको मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। नंदिनी आ रही हूँ जी, जल्दी आओ। वो देखो, हमें क्षमा कर दो भैया, रहने दो। बस बस बस, ये क्या कर रहे हो? हम बड़े शर्मिंदा है भैया, आपसे अलग नहीं रह सकते। हम एक दूसरे से कभी दूर नहीं होंगे, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। भैया आओ, अब घर लौट चले, सारा घर बार धन दौलत फैक्ट्री आप ही संभालिएगा। नहीं, सारी दौलत तुम ही रखो, माँ को मेरे पास छोड़ दो, मैं यहीं रहूंगा। भैया अगर आप घर नहीं चले तो हम भी यहीं रहेंगे, हम आपसे अलग नहीं रह सकते भैया। प्यारे बेटे, छोटों से गलती हो गई थी, इन्हें माफ कर दे और चलो अब हम साथ रहेंगे।